हाय, वेलकम कोड फ्रेंड, वेलकम नेक्स्ट वीडियो इन द व्हाट्सएप क्लोन मनस्टैक प्रोजेक्ट सीरीज। लास्ट कुछ वीडियोस में हम यहाँ पे काफी कुछ कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पे ये वाला पेज देखो तो यहाँ पे लॉगिन पेज है। यहाँ पे हमने ऐड किया था गूगल ऑथेंटिकेशन, जहाँ से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद ही आपका यहाँ पे चैट स्क्रीन खुलेगी। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे इस पे काम किया था, जहाँ पर हमने अपने बैकएंड को सेटअप किया था और हमने अपने यहाँ पे यूजर्स को सेव करवाया था बैकएंड में, और वहां से फिर हमने उस बैकएंड से मतलब अपने MongoDB से, जो हमारा यहाँ पे MongoDB चल रहा है, यहाँ से हमने फिर अपने यूजर्स को फेच किया था, और फेच करने के बाद हमने वहां पे उनको डिस्प्ले करवाया। तो ये काम हमने किया था लास्ट वीडियो में। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है कि यहाँ पे मेरे को राइट हैंड साइड वाला पार्ट कंप्लीट करना है। अगर आप यहाँ पे वेब डॉट व्हाट्सएप देखोगे तो यहाँ पे वेब डॉट व्हाट्सएप में जो राइट वाला पार्ट होता है, जहाँ पर आप चैट कर सकते हो, जहां पर आप लिख के मैसेज कर सकते हो, यहाँ पर मेरे को वाला काम करना है। तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पे वापस कोड में आना है, और यहाँ पे क्लाइंट साइड आपको यहाँ पे काम करना है। अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो तो यहाँ पे अभी देखो तो यहाँ पे मैंने एम्प्टी चैट को डिस्प्ले करवाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एम्प्टी चैट को डिस्प्ले करवाया हुआ है। ये हमने यहाँ से डिस्प्ले करवाया था। अगर आप यहाँ पे चैट में जाओगे तो यहाँ पे चैट में हमने वाला कंपोनेंट बनाया था, जो कि यहाँ पे एम्प्टी चैट कंपोनेंट था, और इसको हमने डिस्प्ले करवाया था यहाँ से चैट डायलॉग में से। चैट डायलॉग में अगर आप देखो तो यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे मेन्यू को डिस्प्ले करवाया था, ये हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है। एंड राइट हैंड साइड मैंने यहाँ पे एम्प्टी चैट को डिस्प्ले करवाया था, ये यहाँ पे एम्प्टी चैट यहाँ पे मैंने कॉम्पोनेंट को रेंडर किया हुआ है, जो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। अब मेरे को यहाँ पे ये जो आपका कॉम्पोनेंट है इसको कंडीशनली यहाँ पे रेंडर करना है। ये जो यहाँ पे एम्प्टी चैट कॉम्पोनेंट है इसको कंडीशनली यहाँ पे रेंडर करना है। अगर कोई चैट सिलेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे एम्प्टी चैट आएगा, बट अगर मैंने यहाँ पे चैट सिलेक्ट की हुई है, सपोज मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो ये वाली चैट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है, तो इस पे क्लिक करते ही उस टाइम पे ये वाला कॉम्पोनेंट नहीं आना चाहिए, उस टाइम पे जो चैट सिलेक्टेड है उसका कॉम्पोनेंट आना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे को कंडीशन डालनी पड़ेगी, ये हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट उससे पहले मेरे को यहाँ पे कॉम्पोनेंट बनाना है। आपको यहाँ पे चैट के अंदर जाना है, जो आपका ये अंदर वाला जो फोल्डर है चैट, यहाँ पर आपको एक यहाँ पे आपको फाइल क्रिएट करनी है, कॉम्पोनेंट यहाँ पे आपको बनाना है चैट बॉक्स के नाम से। ठीक है, चैट बॉक्स, सपोज मैंने यहाँ पर एक कॉम्पोनेंट बनाया, ये मेरा यहाँ पे मेन लैंडिंग पेज होगा। जैसे मेन्यू में भी हमारा यहाँ पे लैंडिंग पेज था, जो कि मेन्यू के नाम से था, जहाँ पर हमने अपनी सभी कॉम्पोनेंट्स को रेंडर करवाया था। तो ये मेरा यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे लैंडिंग पेज होगा, जहाँ पे सपोज डिव लिखा मैंने, अरे कुछ और ही लिख दिया, जहाँ पे सपोज मैंने डिव लिखा और यहाँ पे आ जाएगा दिस इज अ कॉम्पोनेंट। ठीक है, और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे चैट बॉक्स। ठीक है, इसको मेरे को कहाँ पे इंपोर्ट करना है, इसको आपको यहाँ पे चैट डायलॉग के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे कंडीशनली इसको यहाँ पे रेंडर करवाना है, तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा आपके चैट डायलॉग को। ठीक है, चैट डायलॉग बोल रहा हूँ, चैट बॉक्स को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, और यहाँ पे मैं कंडीशनली रेंडर करवाना है। अगर कोई चैट सिलेक्टेड नहीं है तो एम्प्टी चैट, बट अगर मैंने यहाँ पे चैट सिलेक्ट की हुई है तो उस केस में मेरे को यहाँ पे जो आपका चैट बॉक्स है यहाँ पर मेरे को उस केस में वो दिखाना है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इस टाइम पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा दिस इज अ कॉम्पोनेंट। तो अगर ओरिजिनल व्हाट्सएप आप देखोगे तो उसमें मेरे पास यहाँ पे तीन पार्ट्स हैं। आप अगर यहाँ पे ओरिजिनल व्हाट्सएप देखो, यहाँ पे मैंने कुछ मैसेजेस को हाइड किया हुआ है, ठीक है, प्राइवेसी एक मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो तो यहाँ पे मेरे पास तीन पार्ट्स हैं। राइट हैंड साइड मेरे पास यहाँ पे तीन पार्ट्स हैं। ये आपका यहाँ पे हेडर सेक्शन है, ठीक है, फिर आपका ये वाला सेक्शन है बीच में, जहाँ पर आप चैट कर सकते हो, फिर नीचे आपके पास यहाँ पे फुटर है, ठीक है, जहाँ पर आप मैसेज को टाइप कर सकते हो। तो इसमें राइट हैंड साइड मेरे पास यहाँ पे तीन पार्ट्स हैं, तो आपको यहाँ पे ये तीनों पार्ट्स बनाने हैं। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट पार्ट होगा चैट हेडर, फिर यहाँ पे मैसेजेस होंगे, फिर आपका यहाँ पे नीचे फुटर होगा। तो मेरे को यहाँ पे अब ये काम करना है, तो ये काम आपको करना पड़ेगा यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर, क्योंकि ये मेरा यहाँ पे मेन लैंडिंग कॉम्पोनेंट है। तो मेरे को सपोज यहाँ पे बॉक्स को इम्पोर्ट करना है, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे रैप करना पड़ेगा। अभी जो मैं डिव का यूज कर रहा हूँ उसकी जगह मैं यहाँ पे बॉक्स का यूज करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो आपका बॉक्स है यहाँ पे मैंने वो लिखा, ठीक है, अरे ब्रो क्लोजिंग वाला तो दिया अगर, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बॉक्स लिखा। अब बॉक्स के अंदर मेरे को यहाँ पे आपके जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनको रेंडर करवाना है। जैसे सबसे पहला जो मेरा यहाँ पे कॉम्पोनेंट है वो हेडर कॉम्पोनेंट है, तो आप यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट बना सकते हो सपोज चैट हेडर के नाम से, ठीक है, चैट हेडर डॉट जेएसएक्स। और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा कॉन्स्ट, और ये आपका हो जाएगा चैट हेडर इज इक्वल्स टू एंड दिस 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 एंड दिस। ठीक है, रिटर्न करवाते हैं यहाँ से, रिटर्न किया सपोज मैंने यहाँ पे डिव हेलो फ्रॉम हेडर, ठीक है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हैं इसको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे चैट हेडर, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको इसको चैट बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको चैट हेडर को यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है। मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे यहाँ पे ये सभी कॉम्पोनेंट इंपोर्ट है, यहाँ पे मैंने जो आपका चैट हेडर है उसको मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया।
बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको उसको डिस्प्ले करवाना है, क्योंकि ये मेरे यहाँ पे सबसे पहला कंपोनेंट होगा, तो ये मेरा ये मैंने यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाया। एक और कंपोनेंट आपको यहाँ पे बनाना है, जो आपका यहाँ पे मिडिल वाला कंपोनेंट होगा, जो कि होगा आपका यहाँ पे मैसेजेस के नाम से। ठीक है, मैसेजेस डॉट जे एस एक्स मैंने यहाँ पर एक कॉम्पोनेंट बनाया, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट और मैसेजेस इज इक्वल्स टू, स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, हाँ स्पेलिंग गलत लिख दी ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है आपको यहाँ पे MeSSAGES करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको लिखना है रिटर्न और डिव स्मॉल में और दिस इज फ्रॉम मैसेज, दिस इज फ्रॉम मैसेज कॉम्पोनेंट, बिल्कुल ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है एक्सपोर्ट एंड डिफॉल्ट, यहाँ पे आपको लिखना है मैसेजेस करेक्ट है। चैटबॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको जो आपके मैसेजेस हैं उनको भी आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे मैसेजेस को अपने इंपोर्ट किया और यहाँ पे आपको इसके जस्ट नीचे, क्योंकि हेडर के नीचे मेरे को यहाँ पे अपने जितने मैसेजेस हैं यहाँ पे सारे वो दिखाने हैं, मैंने यहाँ पे मैसेजेस को आपके हेडर के नीचे यहाँ पे इंक्लूड किया। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया आपके पास हेलो फ्रॉम हेडर और नीचे आप देखो तो हेलो फ्रॉम मैसेज, बिल्कुल सही आ रहे। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो तो हेडर जो होता है हमारे यहाँ पे वो तीन पार्ट होते हैं। लेफ्ट वाला जो होता है यहाँ पे आपकी एक डीपी लगी हुई होती है, जो यूजर है उसकी डीपी, ठीक है। राइट हैंड साइड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे ये है कुछ, यहाँ पे एक सर्च का आइकन है, फिर यहाँ पे एक मोरवर्ड का आइकन है, जो हमने यहाँ पे यूज किया था मोरवर्ड हमने यहाँ पे यूज किया था और सर्च हमने यहाँ पे यूज किया था, बिल्कुल सेम हमें यहाँ पे भी यूज करना है। जो यहाँ पे आप देखो मोरवर्ड और ये सर्च है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे हेडर बनाना पड़ेगा, तो हेडर आप बना सकते हो, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे चैट हेडर में जाना है और चैट हेडर में हेडर बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे दो चीजें होंगी जो मेरे को यहाँ पे चाहिए होंगी, दो कॉम्पोनेट्स आपको बेसिकली मेरे को यहाँ पे चाहिए होंगे आपके। मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा बॉक्स, डिव देता है जो मेरे को यहाँ पे टाइपोग्राफी चाहिए और मेरे को यहाँ पे आपका स्टाइल चाहिए, तीनों आएंगे आपके यहाँ पे MUI मटेरियल में से, ठीक है बिल्कुल सही है। आपको यहाँ पे लिखना है बॉक्स, तो सपोज बॉक्स लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। बॉक्स लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो इमेज है उसको यहाँ पे आपको डिस्प्ले करवाना है, तो इमेज हम देख लेंगे कौन सी इमेज है कहाँ से आएगी, ठीक है ये हम देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको सपोज डीपी मैंने लिखा और बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पे इमेज डिस्प्ले करवानी है। इमेज के बाद आपको आपको यहाँ पे नेम भी आ जाता है, नेम के नीचे वो बंदा ऑफलाइन है या ऑनलाइन है हम यहाँ पे वो भी दिखाते हैं, अगर उस बंदे ने ऑफलाइन ऑनलाइन हाइड नहीं किया हुआ तो, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक डिव लेना पड़ेगा और डिव के अंदर मेरे को यहाँ पे दो टाइपोग्राफी चाहिए। फर्स्ट जो टाइपोग्राफी होगी वो यहाँ पर आपका नेम दिखाएगी कि आपका यहाँ पे नेम क्या है, ठीक है। सेकेंड वो यहाँ पे दिखाएगी कि आप यहाँ पे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन स्टेटस वो यहाँ पे दिखाएगी, ठीक है। तो ऑनलाइन स्टेटस यहाँ पे देखने के लिए आप यहाँ पे जो आपका ये है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे डीपी आ गया और आपका नेम और ऑनलाइन स्टेटस यहाँ पर आपका आ चुका है। फिर मेरे को यहाँ पे एक और यहाँ पे बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसमें मेरे को आपके आइकन डालने पड़ेंगे, तो इसके जस्ट बाहर मेरे को यहाँ पे एक और बॉक्स चाहिए जहाँ पर आपकी आपको यहाँ पे दो आइकन चाहिए। मैंने आपको ये चीज दिखाई थी लास्ट वीडियो में कि आप कैसे डाल सकते हो, हमारे पास हमें यहाँ पे चाहिए सर्च वाला आइकन, ठीक है। सर्च वाला आइकन आप यहाँ पे डायरेक्ट उठा सकते हो और एक होता है यहाँ पे मोर वर्ड वाला आइकन, ठीक है, जो हम पीछे यूज कर चुके हैं आइकन मटेरियल में से ही आते हैं, आई होप आपको याद होंगे मैंने आपको ये सब बताया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे सबसे पहले आपके पास यहाँ पे है सर्च वाला आइकन, ठीक है। सर्च वाले आइकन के बाद है आपके पास यहाँ पे जो आपका मोर वर्ड वाला आइकन है वो है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बिल्कुल सही आना चाहिए, एक सेकंड देख लेते हैं आप यहाँ पे देखो ये सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल सही आया है, बट अब मेरे को यहाँ पे इनको यहाँ तक आपका हेडर आएगा, ठीक है, डिफरेंट कलर में आएगा और यहाँ पे ये सब एक लाइन में आएंगे, तो मेरे को यहाँ पे जो CSS है उसको यहाँ पे आपका हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे जो आपकी पेरेंट वाली CSS है, जो सबसे पेरेंट बॉक्स है यहाँ पे इसके CSS को यहाँ पे हैंडल करना है, तो सपोज इसको ले लेते हैं यहाँ पे हेडर इक्वल्स टू, यहाँ पे तो वो स्टाइल लिया मैंने, स्टाइल के साथ में सपोज यहाँ पे ले रहा हूँ बॉक्स, ठीक है। इसको मैंने सपोज यहाँ पे बॉक्स लिया और आपको यहाँ पे सबसे पहले तो हाइट देनी पड़ेगी, ठीक है। हाइट कितनी ले, हाइट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 44 पिक्सल, जितनी हाइट आपके लेफ्ट वाले इसकी है उतनी सेम हाइट मेरे को यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये हाइट ली, हेडर में यहाँ पे मेरे को इसको पेस्ट करना पड़ेगा, बॉक्स को मेरे को यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा विद हेडर, तो आप यहाँ पे देखोगे आपकी हाइट यहाँ पे मेंटेन हो जाएगी और हाइट यहाँ पे इसने बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे मेंटेन की है। थोड़ा और क्लियर आपको हाइट तब दिखेगी जब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डाल दूंगा, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे वो ग्रेइश उन्होंने डाला हुआ है जो कि आता है ईडी 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 से, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर दिखेगा, बिल्कुल सही है, बट ये तो सिर्फ यहीं तक आया है क्योंकि यहाँ पे पैडिंग मेरे को डालनी पड़ेगी, तो पैडिंग मेरे को टॉप और बॉटम से ये 8 पिक्सल्स, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट से ये चाहिए सपोज डबल 16 पिक्सल्स, ठीक है। तो अब जाके शायद ये थोड़ा ठीक आएगा, हाँ करेक्ट है।
ये सब आपके एक लाइन में आने चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर डाल सकते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है, ये चीजों को एक लाइन में मूव करता है, जो चीजें आपके वर्टिकली अलाइंड है उनको एक हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देता है एक ही लाइन में, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। सेंटर लाइन में कोई यहाँ पे सब सब कंपोनेंट्स आपके चाहिए, तो अलाइन आइटम्स आप यहाँ पे सेंटर डाल सकते हो। ठीक है, अलाइन आइटम्स मैंने यहाँ पे सेंटर डाला ताकि ये सब यहाँ पे सेंटर हो जाए कुछ इस तरह। नाइस, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। इमेज की मेरे को यहाँ पे सीएसएस को चेंज करना है, तो अभी के लिए हम यहाँ पे काम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक इमेज का यूज कर रहा हूँ, हमारे पास यहाँ पे एक इमेज है डिफॉल्ट के नाम से, डिफॉल्ट प्रोफाइल पिक्चर, ये वाली इमेज है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी आपके डेटा फाइल के अंदर। यहाँ पे हमारे पास दो इमेजेस हैं, एक तो डिफॉल्ट है एक एम्प्टी है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। अगर सपोज किसी बंदे ने कोई डीपी नहीं लगाई हुई, तो उस केस में आप यहाँ पे डिफॉल्ट प्रोफाइल पिक्चर इसका यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। इसका मैं यहाँ पे टेम्परेली यूज कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे दिखाना, मेरे को यहाँ पे यूजर की वो ही है, प्रोफाइल ही है, बट यहाँ पे इनिशियली मैं यहाँ पे इस वाली इमेज का यूज कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे मनी हाइस्ट वाली एक इमेज है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी सीएसएस हैंडल करने के लिए, सीएसएस थोड़ी मेरे को इजिली यहाँ पे मैनेज हो जाएगी, इस वजह से मैं यहाँ पे टेम्परेली इस वाली इमेज का यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। तो आईएमजी पे मेरे को यहाँ पे एक सीएसएस लगानी पड़ेगी, और यहाँ पे जो आपका इमेज है इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा विद यहाँ पे आईएमजी। हाइट और विथ मेरे को यहाँ पे मेंटेन करनी है, तो हाइट और विथ में यहाँ पे हार्ड कोड कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे 40 40। ठीक है, हाइट और विथ आपके यहाँ पे 40 पिक्सल एंड 40 पिक्सल मैंने यहाँ पे हार्ड कोड की है, ताकि ये आपका यहाँ पे इमेज छोटी हो जाए कुछ इस तरह। मेरे को इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट डालना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट फिट कवर कर देते हैं इसको, वैसे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और आपको फर्क जो पड़ेगा वो आपके बॉर्डर रेडियस से पड़ेगा, आपको यहाँ पे बॉर्डर रेडियस डालना पड़ेगा ताकि जो इमेज है वो आपकी थोड़ी सी घूम जाए। ठीक है, यहाँ पे जो इमेज है ये आपकी कुछ इस तरह। नाइस, तो आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे परफेक्टली आ चुकी है। नेम की मेरे को यहाँ पे सीएसएस को चेंज करना है, नेम नेम वैसे तो ठीक है, मेरे को यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन मार्जिन मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट देना है। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे टाइपोग्राफी में, मेरे को यहाँ पे जो सीएसएस है आपकी उसको यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। तो टाइपोग्राफी पे मैंने यहाँ पे जो सीएसएस है उसको यहाँ पे मैंने हैंडल किया, और यहाँ पे आपको डालना है मार्जिन हाइफन लेफ्ट सपोज 12 पिक्सल। और यहाँ पे मेरे को इम्पोर्टेंट भी देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज होती है कि टाइपोग्राफी है ना, कुछ मार्जिन अपने भी लगाता है, तो उस केस में ये नहीं उठाएगा जब 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 तक आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं दोगे। वैसे तो इसने अभी नहीं उठाया क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने नेम डाला, एंड नेम डाल के अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका थोड़ा सा राइट हैंड साइड यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए कुछ इस तरह। नाइस, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन स्टेटस है उसको यहाँ पे आपको चेंज करना है। ऑनलाइन स्टेटस में भी मेरे को यहाँ पे सेम ही चीज करनी है। ठीक है, तो इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे ये आपका नेम की जगह यहाँ पे आपका आ जाएगा स्टेटस। ठीक है, मेरे को मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे चाहिए। मार्जिन लेफ्ट के बाद मेरे को यहाँ पे आपके जो फॉन्ट साइज है उसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नेम से छोटा होता है वो आपका, जो जो भी आप यहाँ पे डालते हो स्टेटस में, वो आपका नेम से थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, उसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा होता है। तो यहाँ पे सपोज मैंने आपका ये डाला, तो ये इस टाइम पे आपको यहाँ पे छोटा दिखना चाहिए कुछ इस तरह। नाइस, इसके कलर को मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा फेड करना पड़ेगा, तो कलर हम यहाँ पे डाल सकते हैं आरजीबी में, यहाँ पे हम कलर ले ले सकते हैं। तो आरजीबी और आर और जी और बी को मैं यहाँ पे 0 0 0 ले रहा हूँ, तो इसका शेड दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 0.6। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कलर इसका फेड होना चाहिए कुछ इस तरह। अब आते हैं यहाँ पे इस वाले पार्ट पे। ठीक है, इसको मेरे को राइट हैंड साइड अलाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले कॉम्पोनेंट का जो नाम है वो भी मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ, राइट कंटेनर। राइट कंटेनर इज इक्वल्स टू स्टाइल्ड, और यहाँ पे जो आपके दोनों आइकन है उनको मेरे को यहाँ पे राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। सबसे आसान तरीका क्या है, आपको यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट ऑटो कर देना है। मैंने आपको ये चीज पहले भी दिखाई हुई, एक जगह हमने मार्जिन टॉप को ऑटो किया था, तो उसने अब इसको बॉटम में शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट ऑटो कर दोगे, तो ये क्या करेगा, ये आपके दोनों आइकन को राइट हैंड साइड यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इसने यहाँ पे इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। मेरे को यहाँ पे अब इन दोनों में थोड़ा सा स्पेस चाहिए, कलर्स को मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, साइज को मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, तो वो सब हम कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर यहाँ पे पेरेंट के सीएसएस से, क्योंकि यहाँ पे आप देखो राइट कंटेनर यहाँ पे इन दोनों आइकन्स का पेरेंट है, तो पेरेंट के सीएसएस से मैं यहाँ पे जो चाइल्ड के सीएसएस है उसको यहाँ पे हैंडल कर सकता हूँ, एंड ग्रेटर देन एसवीजी लिख के। ये आपके यहाँ पे सर्च और मोरवर्ड कॉम्पोनेंट है। ठीक है, ये वैसे तो एक कॉम्पोनेंट है, बट ये इंटरनली आपको यहाँ पे एसवीजी ही देता है, क्योंकि ये दोनों कॉम्पोनेंट एक एसवीजी को रिटर्न कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे एंड ग्रेटर देन एसवीजी लिखना है, और यहाँ पे सपोज एक पैडिंग ले लेते हैं, सपोज 8 पिक्सल। तो 8 पिक्सल सपोज मैंने यहाँ पे पैडिंग ली, दोनों में यहाँ पे इस टाइम पे पैडिंग आनी चाहिए कुछ इस तरह। फॉन्ट साइज मेरे को यहाँ पे इन दोनों का चेंज करना है, तो फॉन्ट साइज आप यहाँ पे 22 पिक्सल। आप यहाँ पे इसको इसके फॉन्ट साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो फॉन्ट साइज की हेल्प से। ठीक है,
तो मतलब आइकन को आप बड़ा छोटा कर सकते हो फोन साइज साइज के हिसाब से। तो इस तरह हम कर सकते हैं इसको। सपोज ब्लैक कलर में डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो कलर मैंने लिया यहाँ पे ट्रिपल जीरो। वैसे तो वो पहले से ब्लैक है, लेकिन अब थोड़ा सा आप देखो थोड़ा सा माइनर सा चेंज हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सही है। इमेजेस मेरे को थोड़ी सी छोटी ही दिख रही है। इसका साइज थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहो तो। 26 पिक्सल्स में सपोज यहाँ पे ले रहा हूँ, तो नहीं ज्यादा हो गया, 24 मेरे को यहाँ पे लेना पड़ेगा, 24 पिक्सल। ठीक है अब देखते हैं। बेटर बेटर, बहुत बेटर, नाइस। तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे ये हमारा हेडर वाला पार्ट था, ये हमारा यहाँ पे बनके बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट है वो है हमारा यहाँ पे मैसेजेस वाला पार्ट, जो ये बीच में आप ये देख रहे हो ना, इन सबको अब मेरे को यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। तो इस सबको हैंडल करने के लिए आपको यहाँ पे काम करना है, आपको यहाँ पे आपका जो मैसेजेस वाला पार्ट है उसमें आना है। और यहाँ पर आपको कुछ चीजें यहाँ पर आपको बनानी पड़ेंगी। यहाँ पे वैसे तो मेरे को मैसेजेस ही डिस्प्ले करवाने हैं, ठीक है। तो वो देखेंगे जब हम मैसेज वाले पार्ट पे आएंगे, उस पर शायद नेक्स्ट वीडियो में हम काम करेंगे। तो अभी उससे पहले का जो पार्ट है यहाँ पर हम वो देख लेते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे बॉक्स लिखा, तो अब यहाँ पे मेरे को एक काम करना है कि आपका जो यहाँ पे पूरा बॉक्स है उसमें कोई ये बैकग्राउंड डालना है। ये जो आपका यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज है ना, ये मेरे को यहाँ पे डालनी है इस वाले बॉक्स में। तो ये काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक काम करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो बॉक्स को यहाँ पे आपको इम्पोर्ट करना है, और फिर यहाँ पे आपको स्टाइल को इम्पोर्ट करना है। और कहाँ से आएगा ये? आपका आएगा यहाँ पे MUI मटेरियल में से, बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्स लिखना है, कॉन्स। और सपोज रैपर ले लेते हैं इसको, रैपर इज स्टाइल्ड, और इसको ले लेते हैं सपोज यहाँ पे बॉक्स, बिल्कुल ठीक है। और रैपर को मेरे को यहाँ पे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा विद बॉक्स, और सेव करते हैं, बिल्कुल मस्त चलेगा। तो आपको यहाँ पे दो CSS डालनी है, ठीक है। एक CSS होगी आपके यहाँ पे जो कि होगा आपको यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज। आपको अगर बैकग्राउंड इमेज डालनी है तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज डाल सकते हो, ठीक है। और URL की हेल्प से अगर आपको CSS के थ्रू एक इमेज को डालना है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे IMG टैग का यूज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड इमेज डालूंगा वो CSS की हेल्प से डालूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक काम करना है कि इस इमेज के ऊपर मेरे को मैसेजेस को डिस्प्ले करवाना है। तो अगर आपको इमेजेस के ऊपर मैसेजेस को डिस्प्ले करवाना है तो ये बहुत ईजी हो जाता है अगर आप इमेज डालते हो CSS की हेल्प से। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे IMG टैग का यूज कर दिया, आपने अगर यहाँ पे IMG टैग का यूज कर दिया, और IMG के ऊपर आपको अगर फिर कुछ भी लिखना है, तो फिर आपको पोजिशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव के साथ खेलना पड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा कोई कोई सीन नहीं है। यहाँ पे अगर आप CSS की हेल्प से अगर आप कोई भी इमेज डालते हो, URL फंक्शन हमारे पास यहाँ पर होता है, इसकी हेल्प से आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो उसके बाद आपको यहाँ पे पोजिशन एब्सोल्यूट रिलेटिव करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप वहाँ पे उसके ऊपर आ जाता है। तो इमेज मेरे को यहाँ पे चाहिए, इमेज आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको गूगल ड्राइव का एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसको जो इमेज का ये है इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। इसको या तो सेव करवा लेते हैं यहाँ पे, या फिर एक काम करते हैं, या ऐसे ही डाल देते हैं। आपको यहाँ पे इसको एज अ वेरिएबल डालना है इमेज को, क्योंकि यहाँ पे इमेज लिंक है जो कि वेरिएबल है। तो आपको यहाँ पे डॉलर लगाना पड़ेगा, डॉलर लगा के आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद आपको यहाँ पे इसको एज अ स्ट्रिंग के अंदर इस तरह से डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो इमेज है आप यहाँ पे वो डाल सकते हो। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो सही चलनी चाहिए। एक सेकंड कंपाइल होने देते, कंपाइल हो चुका है, वापस आते हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये आई नहीं इमेज यहाँ पे दिखी नहीं है आपको। इमेज यहाँ पे क्यों नहीं दिखी मेरे को? क्योंकि मेरे को यहाँ पे हाइट डालनी पड़ेगी। आपकी यहाँ पे कुछ भी हाइट डिफाइन नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे इसने कुछ भी उठाया नहीं है। तो यहाँ पे काम करना पड़ेगा मेरे को। चैट डायलॉग में चलते हैं, और यहाँ पे जो आपके राइट वाले कंपोनेंट है, आपके राइट वाले कंपोनेंट की मेरे को यहाँ पे एक हाइट डालनी पड़ेगी। या फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं राइट वाले कंपोनेंट में हाइट डालता हूँ तो एम्प्टी चैट में भी हाइट डल जाएगी। इससे अच्छा चैट बॉक्स में डालते हैं, चैट बॉक्स में जो ये बॉक्स है, क्योंकि मेरे को सिर्फ इसी की हैंडल करनी है हाइट। तो आप यहाँ पे अगर सपोज हाइट डाल दोगे आप अगर यहाँ पे 75%, ठीक है, तो इससे शायद ये हो जाना चाहिए। एक सेकेंड कंपाइल होने देते हैं। ब्रो इसने तो इसके बाद भी नहीं इसको उठाया ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को यहाँ पे फिक्स हाइट डालनी पड़ेगी। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, ये जो आपका रैपर है ना, इसके अंदर मेरे को यहाँ पे एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा, जहाँ पर अपने में सभी मैसेजेस को यहाँ पे लूप करूंगा और यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूंगा। तो आप यहाँ पे आप एक VH में मेरे को यहाँ पे हाइट डालनी पड़ेगी, तो शायद वो वर्क करेगा। क्योंकि अभी अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो, अभी अगर मैं आप यहाँ पे इसको चला के दिखाओ, इसको अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ, तो इस पूरे MUI बॉक्स की आप यहाँ पे देखो, ये जो पूरे MUI बॉक्स है इसकी हाइट सिर्फ यहाँ पर आई हुई है। ये कौन सी हाइट है जहाँ पर मैंने 75% डाला हुआ है, उसकी हाइट सिर्फ इतनी सी है, ठीक है।
अगर आप यहाँ पे नीचे आओगे तो ये आपका यहाँ पे हेडर है, बट अगर आप नीचे आओगे तो ये मेरा यहाँ पे मैसेजेस वाला बॉक्स है जहां पर मैंने बैकग्राउंड इमेज डाली है। इमेज इसने सक्सेसफुली यहाँ पे उठाई है, आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है, बट यहाँ पर आपको कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि मेरे को यहाँ पे आपकी हाइट डालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं सपोज यहाँ पे 80 VH हाइट डालूंगा तो आप यहाँ पे देखो ये इमेज आपको यहाँ पे दिख रही है, तो मेरे को बिल्कुल सेम करना है। ठीक है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये एक इंटरनल यहाँ पे बॉक्स बनाया है, क्योंकि यहाँ पर मैं हाइट डालूंगा तो भसड़ हो जाएगी, तो मेरे को यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, आपका जो यहाँ पे इंटरनल डिव है इसके अंदर मेरे को यहाँ पे हाइट डालनी पड़ेगी। तो सपोज कॉम्पोनेंट मैंने यहाँ पर लिखा, एंड कॉम्पोनेंट के बाद आपको यहाँ पे सपोज स्टाइल लिखना है और बॉक्स लिखना है, और यहाँ पर आप ये जो 80 VH जो हाइट है ना यहाँ पर आप डाल सकते हो। ठीक है, तो 80 VH मैंने यहाँ पे हाइट डाली, और मेरे को यहाँ पे ओवरफ्लो भी करना है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर आपके जो ये स्क्रॉल बार आया हुआ ना, क्योंकि अगर सपोज मैसेजेस आपके स्क्रीन से बाहर निकल गए तो यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आना चाहिए, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे इसको ओवरफ्लो करना पड़ेगा। तो ओवरफ्लो वर्टिकल मेरे को चाहिए, वर्टिकल ओवरफ्लो आता है आपका ओवरफ्लो वाई से, ओवरफ्लो वाई को आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको स्क्रॉल किया, और आपको यहाँ पे इस कॉम्पोनेंट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके सपोज मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे जो इमेज है वो यहाँ पे सक्सेसफुली इस टाइम दिखनी चाहिए। आप यहाँ पे देखो इमेज यहाँ पे सक्सेसफुली दिख रही है, बट ये इमेज काफी बड़ी है। आप अगर यहाँ पे देखो तो इनका जो साइज है ना इमेज का वो काफी छोटा है, बट अपने वाले का काफी बड़ा है, तो आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है जो कि होता है बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज साइज की हेल्प से आप यहाँ पे जो अपना अपनी जो इमेज है उसका जो बैकग्राउंड साइज है उसको आप यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो इस टाइम पे बिल्कुल सही है, तो आप यहाँ पे देखो तो इमेज यहाँ पे बिल्कुल सक्सेसफुली आई है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये स्क्रॉल बार भी आया है, इसको देख लेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे नीचे मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। ये जो स्पेस है आपका ये यहाँ पे उसके लिए फूटर के लिए, तो यहाँ पे फूटर के लिए आप यहाँ पे जो आपने स्पेस छोड़ा हुआ उसको आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। आपको यहाँ पे एक और कॉम्पोनेंट बनाना है चैट के अंदर, सपोज यहाँ पे ये वाला कॉम्पोनेंट मैं बना बना रहा हूँ यहाँ पे फूटर के नाम से, और फूटर के नाम से आपको यहाँ पे कॉम्पोनेंट बनाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है फूटर इज इक्वल टू दिस 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 एंड दिस, बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको यहाँ पे रिटर्न करना है, इसको रिटर्न किया मैंने यहाँ पे इसको, और यहाँ पे आपको लिखना है डिव और एक स्मॉल में, और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे डिव और हेलो फ्रॉम फूटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिखा, आपको यहाँ पे लिखना एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, आपने यहाँ पे इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे फूटर से, बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे आपको जाना है जहाँ पर आपने इस एम्प्टी स्पेस छोड़ा हुआ है, जैसे आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपने हाइट डाली हुई 80 VH, तो इस कॉम्पोनेंट की हाइट आपकी 80 VH है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो इमेज है वो आपको सिर्फ मैसेजेस में यहाँ पे दिखानी है। तो यहाँ तक आपने हाइट डाल दी 80 VH, नीचे की जो आपकी हाइट बची हुई है यहाँ पर आप फूटर डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज आपने ऊपर लिखा यहाँ पे कि ये सब आपके यहाँ पे कॉम्पोनेंट इम्पोर्ट है, और आपने यहाँ पे जो आपका फूटर है उसको यहाँ पे आपने इम्पोर्ट कर दिया, कहाँ से आएगा, ये आएगा आपके यहाँ पे सेम फोल्डर के अंदर से, और इस कॉम्पोनेंट के जस्ट नीचे आप यहाँ पे जो आपका फूटर है वो आप यहाँ पे डलवा सकते हो, क्योंकि इसकी हाइट यहाँ पे 80 VH है, और उसके जस्ट नीचे आपके पास यहाँ पे ये फूटर आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो CSS है उसको मेरे को यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा, बट अगर आप यहाँ पे देखो एक चीज, तो फूटर यहाँ पे मेरे पास जो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर आ चुका है। अब जो इमेज है वो मैंने पेरेंट पे लगाई हुई है, इमेज यहाँ पे मैंने रैपर पे लगाई हुई है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि अब इस इमेज के अंदर ही मैंने यहाँ पे इसको फूटर को डाला है, इस वजह से यहाँ पे बैकग्राउंड में ये इमेज आ गई है। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि इस इमेज को यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हम कर लेंगे। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो एक काम करना है, आपको यहाँ पे इम्पोर्ट लिखना है, बॉक्स को आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे जो फूटर वाला जो अपना काम है यहाँ पे वो निपटा लेते हैं, तो आपको यहाँ पे डिव की जगह आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बॉक्स, मैंने यहाँ पे बॉक्स लिखा। बॉक्स के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ इमोजीज वाला, आपको यहाँ पे कुछ आइकन चाहिए। तो सबसे पहला जो आपका आइकन होगा वो यहाँ पे इमोजी वाला आइकन होगा, ये वाला मेरे को यहाँ पे आइकन चाहिए, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे MUI से। आपको यहाँ पे मटेरियल UI में जाना है, और आपको यहाँ पे लिखना है मटेरियल आइकन से, आपको यहाँ पे इसको सर्च करना है। मटेरियल आइकन से आप अगर यहाँ पे इसको सर्च सर्च करोगे, एक सेकेंड सर्च होने देते हैं, कर रहे कि सर्च नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेते हैं, वो वहाँ पे लोड हो रहा था। मटेरियल आइकन्स मैंने यहाँ पे खोले, और आपको यहाँ पे आना, और यहाँ पे आपको लिखना है सपोज इमोजी आई टी को, इमोजी के नाम से है क्या, मेरे को एक सेकंड देखना पड़ेगा, इमोटिकॉन्स के नाम से है शायद। हाँ, यहाँ से आप कोई भी उठा सकते हो, आपके पास यहाँ पे ये देखो ये आपके पास यहाँ पे सब इमोटिकॉन्स हैं। ठीक है, तो इनमें से जो आप चाहो आप यहाँ पे वो उठा सकते हो। मैं यहाँ पे चाहता हूँ ये वाला इमोजी इमोटिकॉन्स, ठीक है, इसका मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, तो आप यहाँ पे इसको पिक कर सकते हो। बट आप अगर यहाँ पे एक चीज देखो ना, तो इन्होंने यहाँ इनके में यहाँ पे कलर फिल्ड नहीं है, इनके में आउटलाइंड है, तो आप यहाँ पे फिल्ड की जगह आप यहाँ पे आउटलाइंड सेलेक्ट कर सकते हो, और इमोजी इमोटिकॉन आउटलाइंड आप यहाँ से इसको पिक कर सकते हो। तो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया इमोजी इमोटिकॉन, और यहाँ पे इसको मैं नेम्ड एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इमोजी इमोटिकॉन आउटलाइंड के नाम से,
और आपको यहाँ से इसको पिक कर लेना है। पिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग आपको यहाँ पे इसको लिखना है, ठीक है। इसको एक सेकंड कंपाइल होने देते हैं, उसके बाद यहाँ पे दिखेगा, ये बोल रहा है फुटर इज नॉट नॉट डिफाइंड इमोजी। ये आपको यहाँ से इसको भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। आइकन्स मटेरियल में से ये यहाँ से मैंने इसको नेम्ड एक्सपोर्ट किया, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे ब्रो इसने इसको रिफ्रेश ही कर दिया, लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करते हैं तो आप यहाँ पे देखो ये आ चुका है मेरे पास यहाँ पे। इसके साइज को हम चेंज कर सकते हैं, कलर और साइज को उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो हम कर लेंगे, उसमें कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक आइकन चाहिए, जो आपको यहाँ पे ये वाला आइकन है, इसको क्लिप आइकन बोला जाता है। तो क्लिप आइकन भी आप यहाँ से पिक कर सकते हो। आप अगर यहाँ पे क्लिप को सर्च करोगे तो जो भी आप यहाँ पे चाहो आप यहाँ पे वाला आइकन यहाँ पे पिक कर सकते हो। जैसे एक मेरे पास यहाँ पे इसको फील्ड ले लेते हैं, एक सेकेंड, वैसे तो फर्क नहीं पड़ेगा बट ठीक है। यहाँ पे अटैच वाला है, यहाँ पे अटैच फाइल है, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, अटैच फाइल AEEACH, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैंने लिखा AEEACH और यहाँ पे आपका आ जाएगा फाइल, बिल्कुल सही है। एक और मेरे को यहाँ पे आइकन चाहिए, जो आपके आपके पास यहाँ पे राइट वाला आइकन है, जो कि यहाँ पे माइक वाला आइकन है, ठीक है। माइक वाला आइकन आपको यहाँ पे माइक के नाम नाम से मिल जाएगा, ये वाला आइकन है MIC, तो आपको यहाँ पे इसको ये कुछ ऐसे करके आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ आपको यहाँ पे माइक डालना है। माइक से पहले यहाँ पे जो अटैच फाइल वाला आइकन है यहाँ पे वो आएगा, अटैच फाइल मैंने यहाँ पे डाला, और इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे जो आपका माइक वाला आइकन है आप यहाँ पे वो डाल सकते हो, ठीक है। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो तीनों आइकन आपके पास यहाँ पे आने चाहिए, तीनों आइकन आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसके बीच में आप अगर देखो तो मेरे को यहाँ पे एक इनपुट फील्ड चाहिए, इनपुट फील्ड हमने यहाँ पे बनाई थी, तो आपको पता है कि इनपुट फील्ड कैसे बनाते हैं। इनपुट फील्ड आप बना सकते हो इनपुट बेस की हेल्प से, ठीक है। तो इनपुट बेस की हेल्प से आप यहाँ पे इनपुट फील्ड बना सकते हो। मेरे को यहाँ पे एक चीज चेक करनी है, सर्च आइकन भी है यहाँ पे, नहीं सर्च आइकन नहीं है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे आप इनपुट फील्ड बना सकते हो इनपुट बेस की हेल्प से। तो आपको यहाँ पे काम करना है, इसको एक सेकंड बॉक्स में ले लेते हैं सबसे पहले तो, और बॉक्स के बाद यहाँ पे सपोज मैंने लिखा इनपुट बेस, और इनपुट बेस को आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ऊपर से इम्पोर्ट हो गए यहाँ पे सपोज इनपुट एंड बेस, परफेक्ट। तो इनपुट बेस को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे मेरे को CSS हैंडल करनी है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत बुरी तरह फटेगा, फट चुका है वो ऑलरेडी। तो एक सेकेंड देख लेते हैं ये कहाँ आया है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज प्लेस होल्डर यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, प्लेस होल्डर दिखा देगा मेरे को, थोड़ा सा आइडिया दे देगा कि यहाँ पे कहाँ पे आया। टाइप अ मैसेज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ प्लेस होल्डर, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखो तो आपके पास यहाँ पे टाइप अ मैसेज ही लिखा हुआ है, तो ये टाइप अ मैसेज मैंने यहाँ पे डाला और ये यहाँ पर आया। अब मेरे को CSS इसकी हैंडल करनी है, तो सबसे पहले जो सबसे पेरेंट है उसकी यहाँ पे CSS हैंडल कर लेते हैं, जहाँ पे पेरेंट बॉक्स है। तो आपको यहाँ पे स्टाइल्ड को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है, स्टाइल्ड को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, आपको यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट और सपोज कंटेनर ले रहा हूँ इसको मैं, और यहाँ पे देखो जो स्टाइल्ड और ये बॉक्स आ जाएगा। बॉक्स में आपको यहाँ पे जो बॉक्स को आपको यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा कंटेनर से, मैं यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस किया कंटेनर से। दो CSS में यहाँ पे इमीजिएट चाहिए, एक तो आपकी हाइट है, ठीक है। हाइट में सपोज यहाँ पे डाल रहा हूँ 55 पिक्सल्स, फिर मेरे को यहाँ पे बैकग्राउंड आपका यहाँ पे ग्रेस चाहिए, जो आपका आएगा आपका ED से, ठीक है। एक मेरे को यहाँ पे चाहिए आपका डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि जितने भी आपके कॉम्पोनेंट्स हैं वो सब यहाँ पे एक लाइन में आके अलाइन हो जाए कुछ इस तरह, तो वो बिल्कुल सही है। विथ मेरे को यहाँ पे इसकी 100% करनी पड़ेगी ताकि ये यहाँ तक आ जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे काम करना है, आपको यहाँ पे विथ करनी पड़ेगी आपकी 100%। तो विथ मैंने यहाँ पे की सपोज 100%, ये शायद अभी चलेगा नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे स्पेस बिटवीन एक CSS होती है वो डालनी पड़ेगी, वो डाल लेंगे। विद मैंने यहाँ पे 100% डाली। आपको यहाँ पे सबसे पहले अलाइन आइटम्स को सेंटर करना पड़ेगा, अलाइन आइटम्स को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सपोज सेंटर, ठीक है, ताकि ये यहाँ पे नीचे आ जाए कुछ इस तरह, नाइस। पैडिंग देते हैं, पैडिंग मेरे को टॉप और बॉटम से तो बिल्कुल जीरो चाहिए, लेफ्ट और राइट से मेरे को यहाँ पे 15 पिक्सल चाहिए, तो यहाँ पे मैं 15 पिक्सल पैडिंग डाल रहा हूँ। तो यहाँ से लेफ्ट और राइट से कुछ इस तरह ये पैडिंग आएगी, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, सभी में मार्जिन चाहिए मेरे को, तो आप यहाँ पे पेरेंट की हेल्प से आप यहाँ पे जो चाइल्ड की CSS है उसको यहाँ पे आप हैंडल कर सकते हो, और आप यहाँ पे मार्जिन डाल सकते हो सब में 5 पिक्सल्स, ठीक है, कि चारों तरफ से 5 पिक्सल मार्जिन उठा लें कुछ इस तरह। कलर मेरे को इन सब का चेंज करना है, तो कलर ग्रेश कलर है, ठीक है, वो आ जाएगा आपके यहाँ पे 9191 से, तो बिल्कुल ठीक है कुछ इस तरह, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे आपको जो ये वाली आपके यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है इसका, इसकी मेरे को यहाँ पे विथ बढ़ानी पड़ेगी ताकि ये यहाँ तक आ जाए, और इसका जो माइक है आपका यहाँ पे आके अपने आप सेट हो जाए। तो उसके लिए जो पेरेंट बॉक्स है, जो आपके यहाँ पे सर्च फील्ड है उसका जो पेरेंट बॉक्स है, ये इसमें मेरे को यहाँ पे CSS डालनी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉन्स्ट सर्च इक्वल्स टू स्टाइल, और यहाँ पे सपोज बॉक्स मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पर आपको जो सर्च है उसको यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है विथ बॉक्स, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आपको
सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर डालना है, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ दिख ही नहीं रहा वहाँ पे। तो यहाँ पे सो 1 2 3 4 5 6 छह बार मैंने यहाँ पे ऐप डाला, 6 बार ऐप यहाँ पे आपको व्हाइट कलर देता है, कुछ इस तरह व्हाइट कलर देगा। इसमें मेरे को थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पे शायद 15 18 कुछ दिया हुआ होगा, देखते हैं 18 डालते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस मैंने यहाँ पे दिया, और सपोज कितना देते हैं 18 पिक्सल यहाँ पे देते हैं, ताकि ये जो यहाँ से ये ना थोड़ा सा घूम जाए कुछ इस तरह। नाइस, ठीक है। विथ देते देते हैं, विथ मेरे को कितनी चाहिए, विथ मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपकी 94%, सपोज 94.4%, और माइनस जो आपका यहाँ पे माइक की जो विथ है वो, तो सपोज माइनस 100 पिक्सल्स, ठीक है, ये सपोज मैंने यहाँ पे आपकी दी विथ। तो चला के देखते हैं, तो ये यहाँ तक आपकी यहाँ पे सेट होनी चाहिए कुछ इस तरह, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे इनपुट फील्ड में काम है, इनपुट फील्ड की जो हाइट विथ है इसको मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, काफी चीजें मेरे को यहाँ पे चेंज करनी है। तो जो आपका इनपुट बेस है उसमें मेरे को यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ पे स्टाइल लिखा और यहाँ पे आपका आ जाएगा इनपुट बेस, ठीक है, इनपुट बेस, और यहाँ पे बिल्कुल सही है, और यहाँ पे आपको इनपुट बेस को रिप्लेस करना है विद इनपुट फील्ड, तो इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे जो विथ है उसको रखना है आपका यहाँ पे 100%, ठीक है। पैडिंग मेरे को यहाँ पे चाहिए आपकी 20 पिक्सल्स, क्योंकि अभी क्या है, अभी हाइट थोड़ी सी कम है, पैडिंग में डाल दूंगा तो हाइट थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी कुछ इस तरह, कुछ ज्यादा ही इंक्रीज होगी, इसकी हाइट को फिक्स करना पड़ेगा। हाइट अगर मैं यहाँ पे फिक्स कर दूंगा तो सही हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स डाला हुआ है, तो इस वजह से वो हाइट इसकी गड़बड़ हो गई थी, तो अब ठीक है बिल्कुल। थोड़ा सा पैडिंग लेफ्ट में को यहाँ पे डालना पड़ेगा, ताकि जो टाइप का मैसेज है थोड़ा सा यहाँ पे आगे चला जाए। तो यहाँ पे दे रहा हूँ सपोज मैं पैडिंग लेफ्ट, कितना नहीं 25 पिक्सल चलेगा, तो 25 पिक्सल देते हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ से आगे होना चाहिए, थोड़ा सा आगे हुआ है, बट ठीक है चलो 5 पिक्सल ही आगे हुआ है वो, क्योंकि 20 मैंने पहले से डाला हुआ था। फोन साइज यहाँ पे दे देते हैं 14 पिक्सल, मतलब जो भी आप इनपुट फील्ड के अंदर टेक्स्ट लिखोगे उसका जो फोन साइज होगा वो यहाँ पे 14 पिक्सल होगा। ओके, तो अगर इतनी सीएसएस डाल दोगे तो इतनी सीएसएस, आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा कुछ होगा यहाँ पे, इससे ज्यादा की मेरे को यहाँ पे जरूरत है। तो फूटर आपका ऑलमोस्ट बन के यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। एक चीज मेरे को यहाँ पे वो चाहिए, आप अगर यहाँ पे देखो क्लिप आइकन है ना, इनका यहाँ पे डायगनल है, मतलब हमारा जो है वो वर्टिकल अलाइंड है, वर्टिकल ही है बट यहाँ पे इनका ये डायगनल है, तो आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट, और सपोज क्लिप आइकन मैं यहाँ पे इसकी सीएसएस डाल रहा हूँ, और सपोज मैंने यहाँ पे लिखा स्टाइल्ड, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक क्लिप अटैच फाइल है, सॉरी अटैच अटैच फाइल, और यहाँ पे सपोज मैं डाल रहा हूँ आपका ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म सीएसएस हमारे पास यहाँ पर एक होती है, वो हमें देता है रोटेट, ठीक है, रोटेट देता है वो हमें, और रोटेट आप यहाँ पे कितना आपको रोटेट करना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो डिग्रीज में, तो 40 डिग्री में को यहाँ पे इसको रोटेट करना है, तो इसको मैंने यहाँ पे डाला। ये शायद मेरे को स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा, मेरे को देखना पड़ेगा कि कैसे ऐसे वर्क कर जाएगा, कि मेरे को लग रहा है कि मेरे को इसको एक स्ट्रिंग के अंदर डालना पड़ेगा, तो नहीं ऐसे ही वर्क करके, नाइस नाइस नाइस। तो आप अगर देखो तो बिल्कुल सही सही चल रहा है, जैसा जैसा इनका है वैसा ही हमारा है, इनका थोड़ा सा बड़ा है, जूम हो गया क्या, नहीं बट ठीक है, ये थोड़ी सी हाइट बढ़ा सकते हैं क्या, अगर इसको मैं सपोज 65 पिक्सल कर दूं, नहीं वो नीचे बढ़ रहा है, ठीक है समझ गया समझ गया। अगर मैसेजेस में मैंने यहाँ पे 80 पिक्सल 80 VH डाला हुआ है, अगर इसको सपोज मैं 75 VH करूंगा तो ये जाके ऊपर आएगा, हाँ पता था मेरे को पता था, कोई बात नहीं आप इसको 80 ही छोड़ सकते हो, ठीक है, ताकि ये यहीं पे आके सेट हो जाए। तो नाइस, तो ये हमारे यहाँ पे बनके बिल्कुल रेडी। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, अगर सपोज मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आनी चाहिए, अगर इस पे क्लिक किया तो इसकी यहाँ पे चैट खुलनी चाहिए, तो नेम जो यहाँ पे नेम है ना, अभी तो मैंने यहाँ पे नेम को हार्ड कोड किया हुआ है, अगर मैंने सपोज इस पे क्लिक किया तो ये नेम यहाँ पर आना चाहिए, अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो ये नेम यहाँ पर आना चाहिए, और जो सेम प्रोफाइल पिक्चर है वो यहाँ पे आनी चाहिए, मेरे को यहाँ पे ये काम करना है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि हम इसको अब यहाँ से आगे हम कैसे लेके चलने वाले हैं, अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो इस बंदे की चैट यहाँ पे खुलनी चाहिए विद हिज नेम और हिज प्रोफाइल पिक्चर, अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो इस बंदे की चैट यहाँ पे खुलनी चाहिए, तो पहली चीज तो यहाँ पे ये होती है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि जैसे ही आपने यहाँ पे इस पे क्लिक किया ना, तो इसकी कन्वर्सेशन यहाँ पे आप एक्टिव कर रहे हो। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि मेरे को यहाँ पे मैसेजेस को सेंड करना है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पे मैसेजेस को सेंड करेंगे, तो मेरे को यहाँ पे मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो आप मैसेज सेंड कर रहे हो वो अगर आपने इसकी चैट खोली हुई है तो सिर्फ इसके पास ही जाने चाहिए, ठीक है, मतलब मैसेजेस दोनों बंदों के मैसेजेस एक दूसरे से आइसोलेट रहे,
अगर आपने इसको कोई मैसेज भेजा है तो वो इसी बंदे के पास जाए, अगर आपने इसको कोई मैसेज भेजा है तो वो इसी बंदे के पास जाए, और जब आप रिट्रीव करोगे तो भी ऐसे ही होगा। तो मैं यहाँ पे कन्वर्सेशन में यहाँ पे सेटअप करूंगा, ठीक है, कि अगर आपने सपोज इस पे क्लिक किया तो इन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन हो जाएगी यहाँ पे, अगर आपने इस पे क्लिक किया तो इन दोनों के बीच में एक अलग कन्वर्सेशन होगी, वो हम देखेंगे, ठीक है। वो पार्ट में थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको मेरे को डिफिकल्ट तो नहीं है, मतलब उसमें मेरे को सर्वर की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो उस पे आएंगे अभी। उससे पहले जो इजी वाला पार्ट है वो कर लेते हैं। अगर सपोज मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ तो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुलनी चाहिए, तो इस पे क्लिक हम कहाँ से कर सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? अगर आप यहाँ पर आओ कन्वर्सेशंस में मैं यहाँ पे अपने सभी यूजर्स को डिस्प्ले करवा रहा हूँ, और एक पर्टिकुलर यूजर का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर इस बंदे को यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है। अगर आप यहाँ पे कन्वर्सेशन के अंदर जाओगे तो यहाँ पे ये मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है इस यूजर की। तो अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, अगर मैं यहाँ पे ऑन क्लिक लगा दूँ, अगर मैं इस डिव पे यहाँ पे ऑन क्लिक लगा दूँ, तो मेरे को यहाँ पे ये बता देगा ये वाला कॉम्पोनेंट पे यहाँ पे क्लिक हुआ है। कॉम्पोनेंट मेरे पास यहाँ पे पूरा जो आपका ये वाला पूरा सेक्शन है यहाँ पे कॉम्पोनेंट के अंदर है। तो मैंने यहाँ पे एक ऑन क्लिक लगाया जो यहाँ पे एक फंक्शन को सपोज कॉल करेगा, गेट यूजर फंक्शन को इसने यहाँ पे कॉल किया, कुछ इम्पोर्ट किया गया इसने ऊपर, गेट यूजर्स को इसने इम्पोर्ट कर दिया, इसको हटाते हैं यहाँ पे, इसकी जरूरत नहीं है। तो गेट यूजर्स नहीं है, यूजर है, ठीक है। गेट यूजर के नाम से मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, मैंने सपोज यहाँ पे लिखा गेट यूजर इज इक्वल्स टू दिस 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 एंड दिस, ठीक है। तो इसके क्लिक पे मैंने यहाँ पे ये वाला एक फंक्शन बना दिया। अब मेरे को यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि इसके क्लिक पे यहाँ पे जब क्लिक हुआ है तो मेरे को इस बंदे की जो इन्फॉर्मेशन है उसको मेरे को कहीं पे सेटअप करवाना पड़ेगा ग्लोबली, मेरे को ये वाला जो यूजर है इसको मेरे को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इस पे क्लिक किया है तो इस यूजर की मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि उसका प्रोफाइल पिक्चर, उसका नेम चाहिए होगा मेरे को जो आपका यहाँ से आएगा। तो आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो आपने कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ था उसमें आपको यहाँ पे एक और वेरिएबल को आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे एक वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, आपको यहाँ पे एक और स्टेट आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी जो कि होगा पर्सन और सेट पर्सन, और इसके अंदर मैं यहाँ पे उसको डलवा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सपोज पर्सन पर्सन नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको एक वो एक ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे इनिशियली मैं यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। इसको मेरे को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, मैंने सपोज यहाँ पे जो आपकी स्टेट है पर्सन उसको उसको एक्सपोर्ट किया, और जो पर्सन का ऑब्जेक्ट है मैंने यहाँ पे उसको एक्सपोर्ट किया। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है वापस, आपको यहाँ पे एक काम करना है, अब आपको यहाँ पे इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो सपोज इसको मैं यहाँ पे इम्पोर्ट कर रहा हूँ, कहाँ से आएगा? ये आएगा आपको यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर से, ठीक है। कौन सा कॉन्टेक्स्ट है आपको? जो कॉन्टेक्स्ट है आपका वो है यहाँ पे अकाउंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो अकाउंट कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सही है, और इसके अंदर से आपको यहाँ पे अब सेट पर्सन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे स्टेट की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे सेट करना है, यूज नहीं करना, यूज हम कहीं और करेंगे उस पर भी आएंगे, बट अभी यहाँ पे सिर्फ मेरे को इसको सेट करना है। तो अकाउंट कॉन्टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे अकाउंट कॉन्टेक्स्ट से मैंने यहाँ पे सेट पर्सन को इम्पोर्ट किया, और सेट पर्सन के अंदर मेरे को यहाँ पे जो आपका यूजर है जिसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, मेरे पास यहाँ पे यूजर की पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया। तो आई थिंक ये चीज बिल्कुल सही होनी चाहिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि आप यहाँ पे सीधा चैट बॉक्स के अंदर, ये जो आपका यहाँ पे चैट बॉक्स है, क्योंकि चैट हेडर और मैसेज दोनों जगह में कोई चाहिए होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन उसके निकाल सकते हो, और फिर यहीं से आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको पास कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को एक काम करना है, यहाँ पे मेरे को यूज कॉन्टेक्ट को आपका इम्पोर्ट करना है, ठीक है। यूज कॉन्टेक्ट को इम्पोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका अकाउंट कॉन्टेक्ट है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करना है, उसको मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया। अब मेरे को इस वैल्यू को यूज करना पड़ेगा, तो मेरे को यहाँ पे जो आपका पर्सन है, जो आपका स्टेट है, अब उसको मेरे को यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। कहाँ से आएगा आपका? ये आएगा आपका अकाउंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर से, ठीक है। तो जो वैल्यू आपकी वहाँ पे सेट हुई थी वो यहाँ पर इस टाइम पे आ चुकी है, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक चीज चेक करनी है, आपको यहाँ पे जो पर्सन ऑब्जेक्ट है उसको आपको यहाँ पे इसके अंदर भेजना है, और जो मैसेजेस के अंदर जो आपके यहाँ पे पर्सन है उसको यहाँ पे आपको इसके अंदर भेजना है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इन दोनों को पास करने के बाद आपको यहाँ पे चैट डायलॉग में आना है, और यहाँ पे हमें कंडीशन डालनी थी जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में समझा रहा था, कि यहाँ पर आपको कंडीशन डालनी है कि अगर आपके वेरिएबल में वैल्यू है तो आपको यहाँ पे चैट डायलॉग दिखाना है, वरना आपको यहाँ पे एम्प्टी चैट दिखानी है। तो यहाँ पे वो जो वेरिएबल होगा वो मेरा वही वाला वेरिएबल है। तो यहाँ पे सपोज मैंने यूज कॉन्टेक्स को इम्पोर्ट किया, इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका अकाउंट कॉन्टेक्स है उसको यहाँ पे आपको इम्पोर्ट करना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे अकाउंट कॉन्टेक्स को मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, और यहाँ पर आपको पर्सन में से वैल्यू निकालनी है, मतलब पर्सन जो आपका यहाँ पे स्टेट हमने बनाई है यहाँ पे पर्सन के नाम से, उसमें आपको वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे आपको अकाउंट कॉन्टेक्स डालना है।
इसके बाद अब आपको यहाँ पे एक चीज चेक करनी है, आपको यहाँ पे कंडीशन डालनी थी जैसे कि मैं आपको बता रहा था। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, पर्सन जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। अगर आप यहाँ पे देखो अकाउंट प्रोवाइडर में, यहाँ पे इनिशियली मैंने इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट असाइन किया हुआ है, बट फिर यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू को मैं अपडेट कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे प्योर एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट कीज से, ऑब्जेक्ट डॉट कीज आपके ऑब्जेक्ट की सभी कीज दे देते थे। अगर ये सपोज यहाँ पे आपका एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट के केस में ये यहाँ पे जीरो देगा क्योंकि यहाँ पे एक भी की नहीं है। बट अगर सपोज यहाँ पे की है नेम के नाम से, उसमें सपोज आपने यहाँ पे लिखा कोड फॉर इंटरव्यू, कोड लिखा सपोज फॉर इंटरव्यू, तो यहाँ पे एक की है, तो अगर यहाँ पे एक भी की होती है तो ये आपको उसकी पूरी लिस्ट दे देगा उन सभी कीज की। तो आप यहाँ पे पर्सन ऑब्जेक्ट की कीज चेक कर सकते हो, और ये एक एरे को रिटर्न करता है, तो एरे की आप यहाँ पे लेंथ निकाल सकते हो, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि अगर पर्सन पर्सन अगर ऑब्जेक्ट में यहाँ पे कीज है तो आपको यहाँ पे खोलना है चैट बॉक्स, अगर कीज नहीं है तो उस केस में आपको यहाँ पे खोलना है एम्प्टी चैट, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। और ये जो आपके पास पास यहाँ पे दोनों ये चीजें हैं, इनको आपको यहाँ से हटा देना है। तो यहाँ पे आपने कंडीशन डाल दी, कंडीशन यहाँ पे आपने ये डाल ली कि आप यहाँ पे ये चेक कर रहे हो कि जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊँ, तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे इस टाइम पे एम्प्टी चैट है, ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ पे इसको एक बार खोल के दिखा देता हूँ, तो सपोज मैंने यहाँ पे इसको खोला और यहाँ पे इसको मैंने एक खोला, तो आप यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे कुछ भी मैंने चैट सेलेक्ट नहीं की हुई, तो यहाँ पे इस टाइम पे एम्प्टी चैट आई है। बट जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखो ये खुल गया, ठीक है। मैंने सपोज यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो ये खुल जाएगा, बट इनिशियली जब वहां पे कुछ नहीं होगा, आपने यहाँ पे कोई चैट सेलेक्ट नहीं की भी इनिशियली, तो यहाँ पे एम्प्टी चैट दिखा रहा था, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो, हमने यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर अगर आप यहाँ पे जाओगे, तो हमने यहाँ पे पर्सन ऑब्जेक्ट को निकाला, पर्सन ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे चैट हेडर के अंदर पास किया था एज अ प्रॉप। तो अब आप यहाँ पे काम कर सकते हो, चैट हेडर के यहाँ पे अंदर जा सकते हो, और यहाँ पे पीछे से यहाँ पे पर्सन एक प्रॉप आ रहा है, तो आप यहाँ पे पर्सन उस प्रॉप को निकाल सकते हो, और आप यहाँ पे नेम की जगह जो यहाँ पे नेम है पर्सन डॉट नेम, आप यहाँ पे वो डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे सपोज पर्सन डॉट नेम डाला, ऑनलाइन स्टेटस यहाँ पे इसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा जब यहाँ पे सॉकेट डॉट आईओ आ जाएगा, तो अभी यहाँ पे मैं इसको ऑफलाइन डाल रहा हूँ, हार्ड कोड कर रहा हूँ, ये हम चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी पर्सन डॉट पिक्चर है यहाँ पे आपको वो डालना है, यूआरएल में सपोज मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया आपका पर्सन डॉट पिक्चर, तो बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ पे इतना कर दोगे तो इतने से हो जाएगा, ठीक है। ये अभी के लिए मैं इसको स्टेटस को मैं यहाँ पे ऑफलाइन कर रहा हूँ, ऑफलाइन से ऑनलाइन ये कैसे होगा वो हम देखेंगे जब हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देंगे सॉकेट डॉट आईओ, बिकॉज सॉकेट डॉट आईओ आपको बताता है कि आपके कितने यूजर्स, कौन सा यूजर आपका ऑनलाइन है, कौन सा आपका ऑफलाइन है, वो सबकी इंफॉर्मेशन हमें सॉकेट डॉट आईओ देता है, तो वो हम देखेंगे इसके बाद। तो अगर सपोज आपको मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर, अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे सपोज इसको लॉग इन किया, लॉगिन करने के बाद मैंने यहाँ पे ये खोला, तो इनिशियली आप यहाँ पे एम्प्टी चैट खुलेगी क्योंकि इनिशियली यहाँ पे कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, बट जैसे ही आप यहाँ पे चैट को सिलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे देखो ये आपके यहाँ पे इमेज आ गई, नेम आ गया, बंदा यहाँ पे ऑफलाइन है, और बिल्कुल सही है। मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो इस बंदे का यहाँ पे ये आ गया, वहाँ पे इस पे क्लिक करोगे इसका आ जाएगा, इस पे क्लिक करोगे इसका आ जाएगा, और बिल्कुल यहाँ पे मस्त चल रहा है। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, अब यहाँ पे मेरे को एक कन्वर्सेशन को क्रिएट करना है। मैंने मैंने आपको क्या बोला था कि मैं इस बंदे को लेकर, जिस बंदे ने लॉग इन किया हुआ है, अगर इस पे क्लिक होता है, इस पे अगर जैसे बंदे ने यहाँ पे क्लिक किया तो इन दोनों की एक अलग कन्वर्सेशन आए बनेगी, और फिर इन दोनों की अगर इस पे क्लिक होता है तो इन दोनों की एक अलग कन्वर्सेशन बनेगी। तो यहाँ पे मेरे को इस पे काम करना है ताकि मैसेजेस आपके आइसोलेटेड रहें, ठीक है। मैं यहाँ पे कन्वर्सेशन बनाऊंगा और उस कन्वर्सेशन के हिसाब से मैं आगे का यहाँ पे सभी काम करूंगा। उस कन्वर्सेशन को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे एक एपीआई को क्रिएट करना पड़ेगा, जहां पर हमने इस पे क्लिक किया था ना, इसके क्लिक करते ही मेरे को उसको क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पे इस पे क्लिक कहाँ पे किया था, हमने यहाँ पे क्लिक किया था कन्वर्सेशन के अंदर, कन्वर्सेशन के अंदर यहाँ पे गेट यूजर था और यहाँ पे हमने सेट पर्सन को यहाँ पे सेट किया था। तो अब यहाँ पे मेरे को एक एपीआई कॉल कॉल करनी पड़ेगी, एपीआई बना लो सपोज यहाँ पे सेट कन्वर्सेशन के नाम से, और कन्वर्सेशन में अब मेरे पास यहाँ पे इसकी यूनिक आईडी है और इस बंदे की यूनिक आईडी है, तो दोनों बंदों की यूनिक आईडी लेके मेरे को यहाँ पे कन्वर्सेशन को क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ पे जो आपने यहाँ पे सेट कन्वर्सेशन है उसके अंदर यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपकी सेंडर आईडी है, ठीक है, कौन बंदा मैसेज को सेंड कर रहा है, मैसेज को कौन बंदा सेंड करेगा, ये वाला बंदा मैसेज को सेंड करेगा जिससे आपने यहाँ पे लॉग इन किया हुआ है, तो अकाउंट प्रोवाइडर के अंदर से आप यहाँ पे उसकी भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको सेट पर्सन के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट को इम्पोर्ट करना है, और यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो अकाउंट डॉट सब, क्योंकि अकाउंट एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर यहाँ पे सब एक फील्ड है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हो अकाउंट डॉट सब।
सब बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है रिसीवर आईडी। रिसीवर आईडी यहाँ पर आपको डालनी है। रिसीवर आईडी आपकी होगी, जो बंदा यहाँ पे रिसीव करेगा, जिस जब आप यहाँ पे क्लिक क्लिक करोगे तो जो भी बंदा यहाँ पर होगा वो बंदा यहाँ पे रिसीविंग एंड पे होगा। तो रिसीविंग एंड पे यहाँ पे ये वाला बंदा है, ठीक है, जिसकी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवा रहे हो। तो आपको यहाँ पे लिखना है रिसीवर आईडी इज यूजर डॉट सब, ठीक है। ये आपने यहाँ पे सेट कन्वर्सेशन के नाम से यहाँ पर आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। आपको यहाँ पे एपीआई में जाके यहाँ पे इसको डिफाइन करना पड़ेगा, इस वाले फंक्शन को। तो आपको यहाँ पे लिखना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और सपोज सेट कन्वर्सेशन इज इक्वल्स टू असिंक होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ट्राई और कैच, ठीक है। ट्राई और मैंने सपोज यहाँ पे कैच लिखा और एरर, और बिल्कुल सही है। कंसोल को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे सेम ही जाएगा। कंसोल को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, एरर वाइल कॉलिंग सेट एंड कन्वर्सेशन एपीआई, ठीक है। और बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक फंक्शन को कॉल करना है, लेकिन उससे पहले मेरे को यहाँ पे कन्वर्सेशन में जो आपका सेट कन्वर्सेशन है इसको यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको इम्पोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक इम्पोर्ट स्टेटमेंट डालने के बाद आपको यहाँ पे सेट कन्वर्सेशन को आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ से आएगा? सर्विस के अंदर से आएगा और एपीआई के अंदर से आएगा। ये अब भी एरर दे रहा है, इस वजह से एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने अवेट का यूज किया। अवेट आपका चलता है असिंक फंक्शंस के अंदर, तो आपको यहाँ पे असिंक भी लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो अभी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, परफेक्टली यहाँ पे कंपाइल होगा। बट ये जो एपीआई है, अब इसको मेरे को यहाँ पे कॉल करना है, तो ये यहाँ पे पोस्ट एपीआई होगी। और यहाँ पे आपको एक एपीआई को कॉल करना है, तो सपोज मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो अवेट लगाना पड़ेगा। अवेट लगाने के बाद आप यहाँ पे एक्सोस की हेल्प से एक एपीआई को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ये एपीआई मैंने अब तक बनाई नहीं है, बट यहाँ पे पोस्ट एपीआई होगी जो यहाँ पे बैकएंड के यूआरएल को यहाँ पे कॉल करेगी। और यहाँ पे एंड पॉइंट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। एंड पॉइंट आप यहाँ पे क्या डाल सकते हो? एंड पॉइंट सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन यहाँ पे एंड पॉइंट आ जाएगा। कन्वर्सेशन यहाँ पे मेन एंड पॉइंट होगा। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक और एंड पॉइंट चाहिए जो कि होगा यहाँ पे एड वाला, कि एड कन्वर्सेशन यहाँ पे आप सपोज कर रहे हो। पीछे से मेरे पास यहाँ पे डेटा भी आ रहा है, जो हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट भेजा है, जो कि आपके यहाँ पे सेंडर आईडी है और रिसीवर आईडी है। तो इसको मैंने यहाँ पे डेटा ऑब्जेक्ट में लिया, और यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा, और मैंने यहाँ पे सपोज डेटा को पास किया। तो फ्रंट एंड में आपको यहाँ पे इतना ही काम था। उसके बाद आपको यहाँ पे बैकएंड में आना है। बैकएंड में आपको यहाँ पे सर्वर के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे एक राउट बनाना पड़ेगा। राउट बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक और मेरे को यहाँ पे एक राउट बनाना पड़ेगा, राउट डॉट पोस्ट एपीआई यहाँ पे हिट हो रही है। क्या यहाँ पे वो है जो आपका यहाँ पे जो आपका एंड पॉइंट है वो कन्वर्सेशन स्लैश एड के नाम से मैंने वहाँ पे डाला है। और यहाँ पे आपको एक न्यू कन्वर्सेशन के नाम से यहाँ पर आपको एक एपीआई का फंक्शन बनाना पड़ेगा। ये फंक्शन मैंने अब तक बनाया नहीं है, इस फंक्शन को बना लेते हैं। तो आपको कंट्रोलर पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक नई फाइल बनानी है, क्योंकि जो पुराने वाली फाइल है वो आपके यूजर कंट्रोलर के नाम से है। तो यहाँ पे सपोज मैं बना रहा हूँ कन्वर्सेशन कंट्रोलर के नाम से, ये आपकी फाइल बिल्कुल अलग होगी क्योंकि इसका पर्पस अलग है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैंने ये वाली फाइल बनाई, और यहाँ पे आपको वाला फंक्शन को क्रिएट करना है जो हमने यहाँ पे राउट में बनाया, जो कि आपका यहाँ पे न्यू कन्वर्सेशन के नाम से। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा इसको, क्योंकि हम वहाँ पे उसको राउट वाली फाइल में वहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं। असिंक लगाना पड़ेगा मेरे को। और मैंने आपको समझाया था कि आपके पास यहाँ पे जितने भी एपीआई के फंक्शंस होते हैं उसमें दो चीजें होती है, एक तो रिक्वेस्ट होता है और एक यहाँ पे रिस्पॉन्स होता है। तो दोनों चीजें मैंने यहाँ पे डाली। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि आप यहाँ पे एपीआई का फंक्शन है, और यहाँ पे मोंगोडीबी को कॉल करेगा तो आपको इसको ट्राई और कैच में वो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्राई और कैच डालना पड़ेगा। आप यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हो न्यू कन्वर्सेशन को। कहाँ से आएगा? कन्वर्सेशन कंट्रोलर डॉट जेएस के अंदर से आएगा। और बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को सबसे पहले तो यहाँ पे एक पोस्ट एपीआई, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर आपके पास यहाँ पे दो चीजें आएंगी। एक तो आपके पास यहाँ पे आएगा सेंडर आईडी, ठीक है। सेंडर आईडी आपका आ जाएगा यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सेंडर आईडी के अंदर, क्योंकि आप अगर यहाँ पे कन्वर्सेशन के अंदर तो हमने यहाँ पे सेंडर आईडी के अंदर ही भेजा था। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक और चीज आएगी जो कि होगा यहाँ पे आपका रिसीवर आईडी, ठीक है। इसको भी आप यहाँ पे अलग निकाल सकते हो, या अलग नहीं निकालना तो आप यहाँ पे डायरेक्टली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट जो भी आप यहाँ पे यूज करना चाहो आप यहाँ पे डायरेक्टली वो यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप यहाँ पे अगर एक चीज देखो तो यहाँ पे इस पे आप बार बार क्लिक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो ये आप यहाँ पे बार बार क्लिक कर सकते हो। तो अगर मैंने ये सेंडर आईडी और रिसीवर आईडी के साथ हर बार, फिर तो ये एक नई कन्वर्सेशन को जनरेट करता रहेगा। तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो ये चेक करना है एग्जिस्ट, अगर आपका ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सेंडर आईडी और रिसीवर आईडी से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, मेरे को सबसे पहले तो ये चेक करना है। कौन से कलेक्शन में मेरे को यहाँ पे चेक करना है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक मॉडल के अंदर यहाँ पे एक और यहाँ पे आपको एक नया मॉडल बनाना पड़ेगा जो कि होगा यहाँ पे कन्वर्सेशन डॉट जे एस के नाम। सपोज मैंने यहाँ पे ये बनाया मॉडल, आप बना सकते हो मोंगूज की हेल्प से। ये हमने देखा था कैसे हम बनाते हैं। तो मोंगूज, और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज कॉन्स्ट कन्वर्सेशन स्कीमा, मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक नया कन्वर्सेशन सपोज स्कीमा इज इक्वल्स टू, और आप यहाँ पे न्यू
मोंगूज के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक स्कीमा एक फंक्शन होता है जो अपने अंदर आर्ग्यूमेंट्स में एक ऑब्जेक्ट लेता है और इसके अंदर आप यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हो। तो सपोज जो मेरा स्कीमा होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि मेरे पास यहाँ पे मेंबर्स करके एक एरे होगा और इसी एरे के अंदर मेरे पास यहाँ पे जो आपकी वो होगी क्या कहते हैं जो आपके सेंडर आईडी और रिसीवर आईडी होगी वो सब यहाँ पे इसी के अंदर होगी। और फिर एक चीज और है, मैं यहाँ पे जो लेटेस्ट मैसेज है उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा, लेटेस्ट मैसेज और उसका मैसेज का भेजा हुआ टाइम। तो वो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक आपकी की लेनी पड़ेगी, वो भी मैं इसी के अंदर डालूंगा। ठीक है, मैंने सपोज यहाँ पे लिया टाइप फोर स्ट्रिंग, टाइप स्ट्रिंग लिया मैंने यहाँ पे और इसको आपको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे इसको आपने यहाँ पे क्लोज किया, इसके बाद मेरे को यहाँ पे एक चीज और चाहिए जो कि होगा आपका यहाँ पे टाइम स्टैम्प। ठीक है, टाइम स्टैम्प यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे को यहाँ पे टाइम भी चाहिए कि टाइम स्टैम्प यहाँ पे ये होता है, टाइम स्टैम्प को मेरे को यहाँ पे टू करना पड़ेगा। और जैसे आप यहाँ पे टाइम स्टैम्प लिखोगे तो जैसे आपका ये कन्वर्सेशन स्कीमा हिट होगा, जैसे मतलब आपकी ये वाली एपीआई कॉल करोगे तो ये किस टाइम हिट हुआ है ये उस टाइम का यहाँ पे टाइम स्टैम्प जनरेट कर देगा अपने आप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट कन्वर्सेशन इज इक्वल्स टू, और आपको यहाँ पे मोंगूज की हेल्प से आपको यहाँ पे एक मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल मॉडल के अंदर आपको यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में जो अपना वो है कलेक्शन का नाम है यहाँ पे वो देना है। तो मैंने सपोज यहाँ पे कन्वर्सेशन डाला, ये अपने आप यहाँ पे एस लगा देगा तो जो आपका एक्चुअल स्कीमा जनरेट होगा मतलब जो आपका एक्चुअल कलेक्शन जनरेट होगा वो कन्वर्सेशन के नाम से होगा। और यहाँ पे आपको लिखना है कन्वर्सेशन स्कीमा, बिल्कुल ठीक है। इसको आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो सपोज मैंने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में यहाँ पे इसको कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इसका डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कन्वर्सेशन, बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको यहाँ पे वापस आना है, यहाँ पे वापस आने के बाद अब आपको यहाँ पे कौन सी एपीआई के अंदर इसको फाइंड करना है, सबसे पहले यहाँ पे अवेट लगाना है कौन से कलेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे इसको फाइंड करना है, कन्वर्सेशन कलेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे इसको फाइंड करना पड़ेगा। कन्वर्सेशन को मेरे को यहाँ पे इम्पोर्ट भी करना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है इम्पोर्ट और कन्वर्सेशन कहाँ से आएगा, ये आपका आएगा यहाँ पे मॉडल के अंदर से, तो जो आपका यहाँ पे मॉडल है और उसके अंदर से आएगा, उसके अंदर आपके पास यहाँ पे एक फाइल है कन्वर्सेशन डॉट जेएस के नाम से, इसके अंदर से आएगा। ठीक है, कन्वर्सेशन यहाँ पे आपने लिखा, कन्वर्सेशन के अंदर मेरे को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर अगर जो मेंबर्स की है आपके पास यहाँ पे आप अगर देखो कन्वर्सेशन के अंदर मेरे पास यहाँ पे मेंबर्स के नाम से की है जो कि यहाँ पर एक एरे है, तो मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है अगर आपके एरे की जो दोनों फील्ड्स हैं वो दोनों फील्ड मैच होती हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक इसका यूज कर सकते हैं जो जो कि यहाँ पे डॉलर ऑल यहाँ पे ये चेक करेगा कि आपके यहाँ पे एरे के सभी एलिमेंट्स मैच हुए या नहीं हुए। कौन से एलिमेंट्स आपको यहाँ पे मैच करने हैं, आपको यहाँ पे जो आपकी रिसीवर आईडी है वो यहाँ पर आपको आपके पास करनी पड़ेगी, रिसीवर आईडी स्लैश और जो आपकी यहाँ पे सेंडर आईडी है ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे फाइंड आउट किया, ठीक है, जिसमें दोनों फील्ड्स मैच होंगी, आपने यहाँ पे लगाया डॉलर और, आपने यहाँ पे लगाया डॉलर ऑल यहाँ पे ये चेक करेगा कि रिसीवर आईडी और सेंडर आईडी दोनों यहाँ पे मैच होनी चाहिए इस मेंबर्स की के अंदर जो कि यहाँ पे एरे है। अगर ये ऐसा इसको कुछ मिलता है, ठीक है, अगर ऐसा इसको यहाँ पे कुछ मिल जाता है तो आपको यहाँ पे अगर एग्जिस्ट अगर आपके यहाँ पे ट्रू है मतलब वो यहाँ पे मिल गया तो आपको यहाँ पे यहीं से ही इसको रिटर्न कर देना है, रिटर्न डॉट स्टेटस और यहाँ पे 200.json और यहाँ पे आ जाएगा आपका कन्वर्सेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। बट अगर इसको सपोज नहीं मिलता, ठीक है, यहाँ पे अगर कन्वर्सेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट बट अगर इसको सपोज नहीं मिलता तो आपको यहाँ पे एक नई कन्वर्सेशन बनानी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सपोज न्यू कन्वर्सेशन लिखा और आपको यहाँ पे न्यू कन्वर्सेशन और आपको इसके अंदर, ठीक है, कन्वर्सेशन के अंदर यहाँ पर आपको इसको एज अ मेंबर्स एरे और यहाँ पे आपको ये दोनों चीजें पास करनी है एरे के अंदर, रिसीवर आईडी और आपकी यहाँ पे सेंडर आईडी। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे इसके अंदर पास करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक नया एरे जनरेट कर रहा हूँ विद दिस इन्फॉर्मेशन और फिर मैं जो आपका आपके पास यहाँ पे मोंगोडीबी का एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो आप यहाँ पे इसके अंदर सेव करा सकते हो, उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या कहते हैं उसको उसको आप यहाँ पे डायरेक्टली इसके अंदर जाके सेव कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो न्यू कन्वर्सेशन डॉट सेव, सेव फंक्शन आप यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ये हमने यहाँ पे भी ये किया था, यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने पहले यहाँ पे जो आपकी पूरी ये बॉडी थी इसको हमने यहाँ पे वैलिडेट किया था। ठीक है, जो आपका यहाँ पे यूजर ऑब्जेक्ट था इसको मैंने पूरा यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के साथ यहाँ पे इसको वैलिडेट किया कि आपका फ्रंट एंड से आ क्या रहा है, उसने मेरे को यहाँ पे एक न्यू यूजर दिया था, उस न्यू यूजर पे हमने यहाँ पे सेव फंक्शन को कॉल किया था। यहाँ पर भी मेरे को बिल्कुल सेम काम करना है, यहाँ पर मैंने क्या किया न्यू कन्वर्सेशन यहाँ पे मैंने कॉल किया और ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे जो आपका मेंबर्स ऑब्जेक्ट है क्योंकि अब यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट में काफी सारी चीजें हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है,
इस कन्वर्सेशन के अंदर अगर आप यहाँ पे देखो तो मेंबर्स के अंदर मेरे पास यहाँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, बट अगर मैं यहाँ पे पूरा यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को यहाँ पे मैं पास कर दूंगा तो ये दोनों चीजें यहाँ पे ओवरराइड हो जाएंगी। इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली पास किया है कि आपको यहाँ पे सिर्फ मेंबर्स को ओवरराइड करना है, ठीक है। और मेंबर्स को ओवरराइड करने के बाद आपको यहाँ पे दो चीजें पास करनी है इसके अंदर। पहली होगी यहाँ पे सेंडर आईडी, जो कि आपके यहाँ पे ये सेंडर सेंडर वाली आईडी, और इसके बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पे रिसीवर आईडी। तो आपने यहाँ पे दोनों चीजें पास करी, इसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ इसको लेके यहाँ पे आपने इसको सेव कर दिया, ठीक है। और इसको लेके आपने यहाँ पे सेव कर दिया, अब आपको यहाँ पे इसको रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 200.json, और यहाँ पे सपोज कन्वर्सेशन सेव्ड एंड सक्सेसफुली, ठीक है। कोई अगर सपोज एरर आ जाता है तो उस केस में आपको यहाँ पे रिटर्न करना है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और सपोज यहाँ पे आ जाएगा आपका 500.json, और यहाँ पे जो आपका एरर है वो मैं यहाँ पे रिटर्न करवा रहा हूँ आपका एरर डॉट मैसेज के अंदर, बिल्कुल सही है। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्सेशन डॉट सेव नहीं करना आपको, यहाँ पे न्यू कन्वर्सेशन डॉट सेव करना है। मैंने यहाँ पे न्यू और कन्वर्सेशन दोनों अलग अलग लिखा है, ऐसे नहीं लिखना आपको, यहाँ पे न्यू कन्वर्सेशन डॉट सेव लिखना है, और यहाँ पे आपको अवेट लगाना है क्योंकि यहाँ पे आप मोंगोडीबी में इसको हिट कर रहे हो। ये यहाँ पे जो सेव फंक्शन है मोंगोडीबी का फंक्शन है, तो ये चलता है आपका यहाँ पे अवेट के साथ, आपको यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा। एक सेकंड देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है, चला के देखते हैं, चलना चलना चाहिए। एक सेकेंड यहाँ पे मेरे को यहाँ पे इसके जो ये हैं ये यहाँ पे मेरे को खोलना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे सपोज इसके नेटवर्क टैब में चलते हैं, नेटवर्क टैब में जाएंगे तो यहाँ पे पता लगेगा, और यहाँ पे इसको क्लियर किया मैंने, सपोज मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे एड फंक्शन आपका देखो यहाँ पे कॉल हुआ है, ठीक है। कन्वर्सेशन सेव्ड सक्सेसफुली, कन्वर्सेशन जो है वो यहाँ पे आपकी सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। लोकल होस्ट 8000, कन्वर्सेशन को हमने यहाँ पे ऐड किया, और जो यहाँ पे ऐड है इसका मैंने यहाँ पे इसको इसको कॉल किया। पेलोड अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने रिसीवर आईडी और सेंडर आईडी यहाँ पे भेजी है। प्रीव्यू में यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है, कन्वर्सेशन सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। इसको आप यहाँ पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो ब्राउज कलेक्शन के अंदर, लेकिन जितना ये कलेक्शन मेरी यहाँ पे खुलती है, अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पे इस पे फिर से क्लिक करूँ, फिर से एपीआई यहाँ पे कॉल होगी, लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास आएगा कन्वर्सेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये वाली कन्वर्सेशन मेरी अभी नहीं बनी हुई, तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आएगा कन्वर्सेशन सेव्ड सक्सेसफुली, बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पेलोड देखो तो पेलोड यहाँ पे इस टाइम पे डिफरेंट है, ठीक है। बट अगर मैं इस पे फिर से क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे इस बार आएगा कन्वर्सेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ। पेलोड में अगर आप यहाँ पे सेंडर आईडी देखोगे 722, ये बिल्कुल सेम रहेगी। आप यहाँ पे देखो 722 ये बिल्कुल सेम है, बट अगर आप यहाँ पे रिसीवर आईडी देखो इस बंदे की तो ये है 469, और यहाँ पे आपके पास 631, तो बिल्कुल सही है। दोनों की रिसीवर आईडी डिफरेंट है बट सेंडर आईडी यहाँ पे सेम है, तो इस तरह से आप यहाँ पे जो कन्वर्सेशन है उसको यहाँ पे आप सेव करवा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है ये हम देखेंगे वैसे नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, जैसे मैंने यहाँ पे इस पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास इस बंदे की चैट खुल जाएगी, ठीक है। कन्वर्सेशन में चेक कर लूंगा कि कन्वर्सेशन यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो जैसे ये चैट खुलेगी तो मेरे को यहाँ पे डेटाबेस में फाइंड आउट करना है कि कन्वर्सेशन आईडी क्या है। आप अगर यहाँ पे देखोगे ब्रो इसने अब तक कलेक्शन ही नहीं खोली, बट अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाऊँ तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी आती है हमारे पास यहाँ पे मोंगोडीबी के, एक अंडरस्कोर आईडी आती है, आप कलेक्शन खोल के देख सकते हो, ये तो यहाँ पे खुलने में टाइम लगा रहा है, बट एक अंडरस्कोर आईडी आती है, उसको मैं एज अ कन्वर्सेशन आईडी यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। वो यूनिक होती है, मोंगोडीबी उसको यूज करता है इंटरनली। तो अगर ये दो बंदे आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो मैं उस कन्वर्सेशन आईडी का यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो जैसे ही आपने यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो मेरे को गेट करना पड़ेगा उस कन्वर्सेशन आईडी को, और जैसे ही मैं यहाँ पे कोई मैसेज भेजूंगा, मैंने सपोज यहाँ पे मैसेज भेज के यहाँ पे एंटर मारा, तो इस मैसेज के साथ मेरे को कन्वर्सेशन आईडी को अटैच करना है, ठीक है, ताकि जो आपका मैसेज रहे वो दो बंदों के बीच रहे, सेंडर आईडी और रिसीवर आईडी के जो कन्वर्सेशन आईडी है उन दो बंदों के बीच रहे आपका ये वाला मैसेज, अगर आपको आप यहाँ पे कुछ भी लिख के टाइप करें करके अगर भेजते हो, तो ये काम हमें करना है, इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये तो वो ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे एक काम और रहता है, उसके बाद वीडियो क्लोज करते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिख के सर्च करते हो, सपोज मैंने यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू लिख के सर्च किया, तो ये वाला यूजर इस टाइम पे नहीं आना चाहिए। अगर ये यहाँ पे इससे मैच करता है तो सिर्फ यही वाला यहाँ पे यूजर आना चाहिए, मेरे को यहाँ पे ये काम करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे वापस कोड में जाना पड़ेगा, और कोड में आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा सर्च कंपोनेंट के अंदर। सर्च कंपोनेंट आपको मिलेगा यहाँ पे इसके अंदर, नहीं इसके अंदर नहीं है आपको यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपको मिलेगा ये, और आप यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे है सर्च और स्टार्ट अ न्यू चैट, ठीक है, प्लेस होल्डर यही है ना, एक सेकंड देख लेते हैं, एक सेकंड इसको हटाना पड़ेगा, सर्च और स्टार्ट न्यू चैट, बिल्कुल सही है। तो सर आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे
एक यहाँ पे आप ऑन चेंज लगा सकते हो, ठीक है। ऑन चेंज में आप यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे आती है, ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज वैल्यू आपकी चेंज होती है, सपोज मैंने यहाँ पे सी लिखा, सी ओ डी ई लिखा, तो ये आपका ऑन चेंज को ट्रिगर कर देगा इनपुट फील्ड में वैल्यू चेंज होते ही। तो यहाँ पे ऑन चेंज मैंने डाला, अब ऑन चेंज में मेरे को यहाँ पे जो वैल्यू है उसको किसी एक स्टेट में यहाँ पे मेरे को स्टोर करवाना पड़ेगा। तो ये जो स्टेट है ये मैं यहाँ पे नहीं ले ले रहा, इसको मेरे को लेना पड़ेगा यहाँ पे मेन्यू के अंदर, मेन्यू के अंदर ले यहाँ पे मेरे को इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को स्टेट को पास करना है, स्टेट को मेरे को यूज करना है सर्च के अंदर भी, और स्टेट को मेरे को यूज करना है कन्वर्सेशंस के अंदर भी, क्योंकि कन्वर्सेशंस के अंदर आप यहाँ पे जितने भी आपके सभी यूजर्स हैं उनको आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हो, उनको आप यहाँ पे लूप कर रहे हो, ठीक है। तो जितने भी आपके यूजर्स हैं वो सब आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हो, एंड मेरे को यही काम करना है कि मेरे को यहाँ पे जो भी आप वैल्यू डालोगे उसके बेसिस पे मेरे को यहाँ पे यूजर्स को सर्च करना है। तो यूजर्स को मेरे को सर्च करना है, तो इस वजह से मेरे को यहाँ जो स्टेट आपकी बनानी पड़ेगी वो यहाँ पे बनानी पड़ेगी मेन्यू के अंदर। तो मैंने सपोज यहाँ पे लिखा इम्पोर्ट और यूज स्टेट, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे रिएक्ट के अंदर से, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट, तो टेक्स्ट होगा वो एक यहाँ पे सिंपल, ठीक है। और सपोज सेट टेक्स्ट यहाँ पे उस टेक्स्ट को यहाँ पे सेट करेगा इनिशियल वैल्यू में, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग ले रहा हूँ क्योंकि जो वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पे एक स्ट्रिंग ही आएगी। मेरे को यहाँ पे इसके अंदर मेरे को यहाँ पे सेट टेक्स्ट का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर से यहाँ पे मैं वैल्यू को सेट करूंगा, जो सर्च हमारे पास यहाँ पे होगा इसके अंदर से हम वैल्यू को सेट करेंगे। तो यहाँ पे सपोज मैंने ये लिया, अब वहाँ पे मैंने जो आपका सेट टेक्स्ट है उसको मैंने वहाँ पे एज अ प्रॉप पास किया, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पे मैंने आपके सेट टेक्स्ट प्रॉप को निकाला। इसके बाद आपको यहाँ पे सेट टेक्स्ट को लिखना है एज अ फंक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यूज को सेट करेंगे, और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है ये, रिएक्ट का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। तो आपको पता होगा कि जो वैल्यू निकालते हैं वो इवेंट होता है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, ई यहाँ पे एक इवेंट है, तो आपको यहाँ पे भी ई पास करना पड़ेगा, और ई के अंदर एक टारगेट एक फील्ड होती है उसके अंदर वैल्यू होती है, वहां से आप उसको वैल्यू को निकाल सकते हो। आगे भी हम यहाँ पे यही काम करेंगे, हम जब यहाँ पे फुटर में हम जो भी यहाँ पे यूजर लिखेगा तो वो जो वैल्यू आएगी वो भी हम ऐसे ही निकालेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से। तो अगर आप कोई भी वैल्यू निकालनी है, सपोज यहाँ पे ऑन चेंज पे यहाँ पे कुछ भी अगर वैल्यू आती है तो आपकी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से आती है। उस वैल्यू को आपने क्या किया, यहाँ पे सेट टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे आपने सेट कर दिया। सेट टेक्स्ट के अंदर वैल्यू सेट होती है, आपके यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर वैल्यू आ जाएगी, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट को इसके अंदर पास कर सकते हो अपने कन्वर्सेशन के अंदर। आपने क्या किया, कन्वर्सेशन के अंदर यहाँ पे आपने टेक्स्ट को पास किया, तो अब आप यहाँ पे कन्वर्सेशन के अंदर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट का यूज करके आप यहाँ पे टेक्स्ट को निकाल सकते हो, और आप यहाँ पे अपने सभी यूजर्स को निकाल रहे हो। अब आपको यहाँ पे इन यूजर्स को फिल्टर करना है। मैंने यहाँ सपोज यहाँ पे फिल्टर डेटा के अंदर मैं यहाँ पे इसको स्टोर करूंगा, और जो आपका सारा डेटा है वो यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर है। तो यहाँ पे सपोज मैंने रिस्पॉन्स किया, रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स यहाँ पे कैरे आएगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली फिल्टर फंक्शन का यूज कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। अगर आपको किसी भी एक कंडीशन बेसिस पे, ये फिल्टर फंक्शन अपने अंदर एक कंडीशन लेता है, तो अगर आपको कंडीशनल बेसिस पे डेटा को फिल्टर करना है तो आप यहाँ पे फिल्टर फंक्शन का यूज कर सकते हो। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया एरे होगा, एरे को लूप करेगा इंटरनली और वहां से एक एक एलिमेंट को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है तो ये उस वैल्यू को रिटर्न करेगा, वरना ये उसको एरे में एड ही नहीं करेगा। जैसे मेरे को यहाँ पे कंडीशन चाहिए वो मेरे को यहाँ पे चाहिए, अगर आपका यूजर डॉट नेम यहाँ पे मैच होता है, यूजर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आएगा, आप यहाँ पे सभी यूजर्स निकाल रहे हो, तो यूजर्स आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आएगा जो कि यहाँ पे आपका पूरा एक जो हमें गूगल ऑथेंटिकेशन ने ऑब्जेक्ट दिया था जिसका हम यहाँ पे यूज कर भी रहे हैं नेम और पिक्चर्स को निकालने के लिए, वो पूरा एक ऑब्जेक्ट आएगा, उसके अंदर नेम एक फील्ड होगी, तो उसको मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। बट यहाँ पे यूजर ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे सपोज ये सी ओ डी का सी यहाँ पे कैपिटल है बट वो यहाँ पे स्मॉल डाल दे, तो मेरे को यहाँ पे जो केस है उसको यहाँ पे इग्नोर करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पे मैं लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद ही मैं यहाँ पे चेक करूंगा, और मैं यहाँ पे इंक्लूड्स फंक्शन का यूज करूंगा। इंक्लूड्स मैंने यहाँ पर लिखा, इंक्लूड्स करते हुए मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट का यूज करना है, और मेरे को यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट को भी मेरे को यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट करना करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे इसको भी लोअर केस में कन्वर्ट किया एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे ये इस कंडीशन के बेसिस पे अब डेटा को सर्च करेगा, ठीक है, अगर ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है तो ये उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, और वापस ये यहाँ पे रिटर्न करते हुए एक एरे की फॉर्मेट में, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की फॉर्मेट में ये उसको यहाँ पे रिटर्न करेगा फिल्टर। तो अब जो आपका फिल्टर डेटा होगा वो यहाँ पे इसके अंदर होगा, अब आप यहाँ पे रिस्पॉन्स ना पास करते हुए, अब आप यहाँ पे जो आपका फिल्टर डेटा है वो आप यहाँ पे पास कर सकते हो, बस इतना सा आपको यहाँ पे काम करना है, ठीक है। और इस वाले यूज इफेक्ट को आपको बार बार कॉल करना पड़ेगा, इस वाले यूज इफेक्ट को आपको बार बार इसलिए कॉल करना है क्योंकि अब आप यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे अब चेंज हो सकता है, ठीक है। तो टेक्स्ट चेंज होगा तो आपको यहाँ पे यूज इफेक्ट को बार बार से कॉल करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे में मैंने यहाँ पे टेक्स्ट पास किया, कि जैसे ही यहाँ पे टेक्स्ट पास
टेक्स्ट जैसे यहाँ पे चेंज होगा आपका, तो ये यूज इफेक्ट आपका बार बार कॉल होता रहेगा, ठीक है। अगर सपोज इसको मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, इसको मेरे को शायद रीलोड करना पड़ेगा, एक सेकेंड रीलोड कर लेते हैं, देखते हैं कि कंपाइल हुआ है क्या। कंपाइल ही कर चुका है इसको, बढ़िया। तो यहाँ पे सपोज इसको लॉग इन किया मैंने, और यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं अकाउंट से। यहाँ पे सपोज मैंने लॉग इन किया और ये यहाँ पे लॉग इन हो चुका है। कुछ एरर है मेरे को लग रहा है, नहीं कोई एरर नहीं है, कुछ गड़बड़ हुई है। कुछ गड़बड़ है, इंक्लूड्स का मैं डी खा गया। तो यहाँ पे डी आएगा, ठीक है, इंक्लूड्स में डी आना है यहाँ पे, और यहाँ पे इसको मेरे को फिर से रीलोड करना पड़ेगा। बढ़िया, यहाँ पे लॉग इन करते हैं। लॉग इन किया मैंने यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यूज, मैंने यहाँ पे लॉग इन किया और यहाँ पे ये आ गया। अब सपोज मैं यहाँ पे सी लिखता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो जो ऊपर वाला यूजर है उसके नेम में सी नहीं है, तो यहाँ पे ये आ चुका, ठीक है। कोई ऐसी चीज दो जो दोनों में हो, आई दोनों में है, तो अगर मैं यहाँ पे आई लिखता हूँ तो आई आपका दोनों में है, तो इस वजह से यहाँ पे आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स में। पर जैसे मैं आपके आई एन लिखूंगा तो आई एन कॉन्टिन्यूसली आपका सिर्फ इस वाले नेम में है, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला नेम यहाँ पे सर्च होगा, बिल्कुल सही है। वापस से आपने इसको एम्प्टी किया तो वापस से दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे वापस आ चुके हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे सर्च को लेके वर्क कर सकते हो, ठीक है। इस पे हम अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, इस पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, बिल्कुल सही चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर आप यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख के अगर सपोज सेंड करते हो, तो उस टेक्स्ट को मेरे को डेटाबेस में सेव करवाना है। यहाँ पे ये जो मोंगो डीबी है, अभी यहाँ पे कोई एरर है, मेरे को नहीं पता क्या एरर है, इसको मेरे को फिर से शायद रिफ्रेश करना पड़ेगा। हाँ रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको मेरे को फिर से, तो ये देख लेंगे। बट मैं आप यहाँ पे अगर कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हो तो उसको मेरे को डेटाबेस में सेव करवाना है, ठीक है। वो मेरे को यहाँ पर भी दिखाना है, बट उसको डेटाबेस में भी सेव करवाना है, तो वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर सॉकेट डॉट आईओ भी जोड़ेंगे, बट सॉकेट डॉट आईओ से पहले मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि सॉकेट डॉट आईओ रियल टाइम चैटिंग है। उससे पहले मेरे को यहाँ पे डेटा को, जो आप यहाँ पे मैसेज भेजोगे उसको मेरे को डेटाबेस में सेव करवाना है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम देखेंगे सॉकेट डॉट आईओ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आपको पूरे वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट कमेंट में। अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कमेंट जरूर करना, कोई भी एक्सेप्शन है एरर है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, वहां पर आपको सर्च करना है कोड फॉर इंटरव्यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।